गाइस, हाउ आर यू? माहौल सरकार सीए 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 में फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए ये नया बैच लेके आ रहे हैं हम, जिनके भी एग्जाम्स नवंबर या दिसंबर 2021 या फिर मई ऑब्लिक जून 2022 में एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके लिए नया बैच हम ला रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको इंट्रोड्यूस करते हुए बड़ी खुशी हो रही, क्योंकि जो नॉर्मल फीचर्स जो सारे बैचेस में होते हैं कि हमने सारे टॉपिक कवर किए, सारे क्वेश्चंस कवर किए, सारे टॉपिक को इन डेप्थ हमने पढ़ा है, राइट फ्रॉम द स्क्रैच शुरू किया है टिल टॉप, हर एक चीज विद देयर कॉन्सेप्ट्स, विद प्रैक्टिकलिटी, विद लाइव एंड प्रैक्टिकल एनवायरमेंट हमने कवर की, वो तो सब नॉर्मल है, ये सब जगह होता है। पर एक यूनिक चीज जो इन बैच में आपको मिलने वाली है, इस बैच में आपको मिलने वाली है, वो है फेस टू फेस बैच का लाइव एनवायरमेंट माहौल के साथ, वही हंसी मजाक और वही इंटरेक्टिव क्लासेस आपको मिलने वाली है। अब आप सोचेंगे, सर ये पेंडेमिक टाइम पे आप किस तरह से बैच दे रहे हैं? तो सर, जिस तरह से हमने पहले भी इस तरह के बैच दिए, जो फेस टू फेस बैच मेरे मुंबई में रिकॉर्ड हुआ था, जो फेस टू फेस बैच मेरा सीए फाइनल के लिए हुआ था, जो जनवरी 2020 में खत्म हुआ था, वही बैच, जी हाँ वही फेस टू फेस बैच, लाइव बैच, जो आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा और आपको सर मजा आएगा, माहौल बनता जाएगा, क्योंकि फेस टू फेस बैच की फीलिंग ही अलग होती है, क्योंकि वहां पे माहौल ही अलग बना होता है, लाइव इंटरेक्शन, हंसी मजाक, सारे डाउट्स जो स्टूडेंट्स के उस लाइव बैच में होते थे वही के वही सॉल्व, तो आपको कोई लोड नहीं होगा, आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे। इसलिए हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके इन सारे लेक्चर्स को वापस से एक तरह से रिफर्बिश किया है, वापस से तैयार कर दिया है, रीएडिट किया है, और जहां पे भी अमेंडमेंट्स थे, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, पर जहां पे भी अमेंडमेंट थे उन सारे लेक्चर्स को बहुत फिनिशिंग के साथ एडिट किया है और सारे अमेंडमेंट वहां इंसर्ट किए, और आपके लिए फेस टू फेस बैच का माहौल बनाने के लिए वापस से एक बार फिर से सर इस पेंडेमिक पीरियड में भी आपको फेस टू फेस बैच का फीलिंग देने के लिए ये हम बैच आपको एडिट करके दे रहे हैं, सारे अमेंडमेंट्स इसमें इंसर्ट करके आपके पास आने वाले हैं। डोंट वरी, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए, बस ये जो पॉजिटिव एनर्जी, ये जो माहौल है आपका, ये जो पढ़ाई के लिए जो अंदर से आवाज आनी चाहिए वो आपको आनी चाहिए, और यस वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, एंड यस ऑल क्रेडिट गोज टू आर टीम जिन्होंने ये सोचा, और हाँ इन लेक्चर्स को बहुत शानदार तरीके से जो लोग एडिट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ एंजॉय करिए पढ़ाई को, बोर फील ना करें अपने आपको, ओके? तो सर कंटिन्यू रहा आपका लेक्चर डे वन से ही, लेक्चर वन से ही जहां से हमने फेस टू फेस बैच शुरू किया था वही से आपको दे रहे, कुछ भी हमने इसके अंदर चेंज नहीं किया, जहां जहां अमेंडमेंट थे बस वहां वहां हमने अमेंड कर दिए लेक्चर्स को, सो दैट आपको फेस टू फेस का माहौल मिले। कंटिन्यू करें अपनी पढ़ाई, ऑल द वेरी बेस्ट, माहौल जबरदस्त, थैंक यू, बाय बाय तो नहीं, कंटिन्यू करो, ओए जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल या सीएस फाइनल या सीएमए फाइनल, सीए फाइनल में हो यार, डेफिनेट सी बात है इनडायरेक्ट टैक्स कुछ तो आपको नहीं आता होगा, ओके? तो इंटरमीडिएट आईपीसी में तो पढ़ा था आपने यार, ये सब पढ़ा था, पर पूछो मत सर क्या पढ़ा था, याद नहीं, ओके? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बैच है ये फुल कोर्स बैच है, मैंने प्रिजम्पशन लिया, आपको कुछ भी नहीं आता है, वी आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और देखो माहौल जबरदस्त सर, ओके? तो प्रिजम्पशन लिया, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने इनडायरेक्ट टैक्स का नाम भी पहली बार सुना है, ओके? सो इट मींस वी हैव टू बिगिन राइट फ्रॉम द स्क्रैच एंड वी हैव टू रीच टिल टॉप, वी हैव टू बी कंसल्टेंट आफ्टर सम टाइम, ओके? तो सर शुरू करें क्या इनडायरेक्ट टैक्स? ओके जबरदस्त। तो सर सबसे पहली बात, सिंस मैंने प्रेजेंटेशन लिया आपको कुछ भी नहीं आता, तो वील हैव टू स्टार्ट विद द बिगनिंग एंड बेसिक्स जो थे टैक्सेशन के वहां से हम शुरू करेंगे, देन वील टेक अप द इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह जो भी पढ़ना आपको, ओके? तो सर प्रेजेंटेशन लिया है कुछ भी नहीं आता है, पर फिर भी अगर मैंने आपसे कोई क्वेरी पूछी है, कोई क्वेश्चन पूछा, तो यू विल हैव टू इंटरेक्ट, जो भी वीडियो क्लास के स्टूडेंट्स है उनके लिए गुड मॉर्निंग हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है, इवनिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग तो राइट में सोते वक्त भी देख रहे हैं, तो आप लोगों को इंटरेक्ट करना है मेरे से, आप वीडियो क्लासेस में हैं तो भी आपको जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको जवाब देना है मुझे, ओके? मैं सुन रहा हूं आपको भी यहां पे। तो सरकार सबसे पहली बात, दो तरह के टैक्सेस, एक होता है मैकेनिज्म फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, सेकंड होता है
इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. पहली बात तो ये, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बोथ दिस, बेसिक डिफरेंस. अच्छा, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है, इट मींस यू नो द आंसर. ओके, और मेरे को एज अ लेमैन मतलब बिल्कुल सिंपल सा आंसर चाहिए, कोई टेक्निकल, कोई बुक का लैंग्वेज का आंसर नहीं चाहिए मेरे को. ओके तो सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई एग्जांपल. हाँ सर, डायरेक्ट टैक्स इज डायरेक्टली पेड बाय द असेसी. यस सर, गुड. सो डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन गुड्स और सर्विसेज. और डिफाइन कर सकते हैं इसको हम और अच्छे से, व्हाई दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट, व्हाई दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट. यस, दीज आर डायरेक्टली पेड बाय, डायरेक्ट टैक्सेस आर डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन हु बोर्न द बर्डन. पर इनडायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन पे कर रहा है वो बर्डन बोर्न नहीं कर रहा है, बर्डन कोई और बोर्न कर रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है बर्डन. ओके, मतलब क्या होता है, वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करने वाला पर्सन कोई और है और उसको बोर्न करने वाला कोई और है. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, हम लोगों ने आपसे जो फी ली है उस पर जीएसटी था, जीएसटी हमने आपसे लिया, क्लियर, पर वो हमारा रेवेन्यू नहीं है, किसका है, गवर्नमेंट का. अच्छा, पे किसने किया, अल्टीमेटली आपने, पर क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया, नहीं, क्लियर, आपने हमको पे किया और हमने गवर्नमेंट को पे किया. अच्छा, गवर्नमेंट अल्टीमेट रेवेन्यू लेने वाला कौन है, टैक्सेस लेने वाला कौन है, गवर्नमेंट देने वाला कौन है, आप लोग. अगर आपने डायरेक्ट टैक्स दे दिया, डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अगर आपसे ले लिया तो वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स. और अगर आपसे नहीं लिया, थ्रू सम इंटरमीडिएट लिया, पर लिया तो आपसे ही है, क्लियर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर, वेदर इट्स ऑन गुड्स सर्विसेज जो भी है सर, पक्का. ओके चलो, उससे भी पहले एक बार बात करते हम, यार डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी ये टैक्सेस क्या होते हैं. यस सर, रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, सबसे पहली बात, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कौन है. अब की बार मोदी सरकार, माहौल सर, महाराष्ट्र वालों से पूछना ही नहीं मेरे को कुछ भी. ओके ओके, तो सर गवर्नमेंट, सरकार कौन है, कौन है गवर्नमेंट, सेट ऑफ पीपल हु रन द कंट्री, रिप्रेजेंटेटिव. यस, और कौन है गवर्नमेंट, कांग्रेस, बीजेपी, सर नो कमेंट्स सर. ओके, तो सर पता है कौन है गवर्नमेंट, आप हो गवर्नमेंट, आप हो गवर्नमेंट, हम सब है गवर्नमेंट. क्यों, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा. तो सरकार, सरकार कौन, हम सब. गवर्नमेंट कौन, ये आवाज ही नहीं आ रही, इस चक्कर में कुछ लोग मजे ले रहे. गवर्नमेंट कौन, माहौल. सर देश कौन चलाता है, ओके ओके ओके. तो सर अभी अभी आपने कहा टैक्सेस आर दी, टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन, हम. टैक्स कौन पे कर रहा, किसको पे कर रहे, अरे माहौल जबरदस्त सर. सो टैक्सेस क्या है पर्टिकुलरली बात करें अगर हम, रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन, हम सब. तो हम क्या कर रहे हैं, हम सब लोग म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं, जितने भी एक्ट बने हैं इंडिया के अंदर, जितने भी लॉ बने हैं, जितने भी रूल्स बने हैं, किसने बनाए, हमने बनाए. क्लियर सर, आज हो क्या रहा है, देश की लगभग 130 करोड़ पब्लिक. सर देश कौन चलाएगा, हम चलाएंगे, हम मतलब 130 करोड़ पब्लिक. कैसे चलाएगी सर, अभी बोल दिया देश कौन चलाएगा, हम, कैसे, कैसे चलाएंगे सर, सर 130 करोड़ लोग एक साथ डिसीजन लेंगे तो कहां लेंगे, कैसे लेंगे, कहां इकट्ठा होंगे. क्लियर, इसलिए, यस परफेक्ट, इसलिए हम सब ने क्या किया, हमारे बीच में से जो वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड लोग थे, अरे हंसते क्या होए, और मैं जो भी बात कर रहा हूं उसको प्लीज किसी भी पॉलिटिक्स से लिंक मत करना, स्पेशली महाराष्ट्र से बिल्कुल नहीं सर, डर लगता है मेरे को, पता पड़ा क्लास से बाहर गया और खत्म. सर पॉइंट ये,
कि सर 130 करोड़ पब्लिक ने क्या किया, हमारे बीच में से जितने भी, हम सब ने क्या किया, हमारे बीच में जितने भी वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड लोग थे उनको हमने इलेक्ट किया थ्रू इलेक्शंस। क्लियर सर? इलेक्शंस के थ्रू हमने पूरी कंट्री में हर एरिया से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए। क्लियर? अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, सेंट्रल लेवल की बात करूं, तो अल्टीमेटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम बोलते हैं, क्लियर, उनका हमने इलेक्शन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया और अल्टीमेटली दे फॉर्म्ड पार्लियामेंट जिसको हम संसद बोलते हैं। क्लियर? तो सर आपने देखा होगा कोई भी एक्ट अगर बनाना है, अभी बात करी गवर्नमेंट कौन, हम। क्लियर? हम बनाएंगे, एक्ट में चेंज करना हम करेंगे, एक्ट नया लाना है हम लाएंगे। कैसे लाएंगे? थ्रू पार्लियामेंट लाएंगे। अच्छा, पार्लियामेंट में अगर हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट है और कोई एक्ट अगर वहां से पास हुआ है, इट मींस किसने पास किया है? हम सब ने पास किया है। क्लियर? फॉर एग्जांपल कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंधेरी से है, अंधेरी मुंबई से है, इट मींस वो अंधेरी का रिप्रेजेंटेटिव है। इट अगर उसने कोई डिसीजन लिया मतलब अंधेरी के सारे लोगों ने डिसीजन लिया है। क्लियर? सेम वे अगर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मिलकर कोई डिसीजन लिया, इट मींस पूरे देश के लोगों ने डिसीजन लिया है। समझे मेरी बात? इसलिए गवर्नमेंट कौन? ओके, तो सर गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स हैं, गवर्नमेंट की जितने भी पावर्स है देखा जाए तो गवर्नमेंट मींस पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट की जितने भी पावर्स है वो सारे पावर्स कौन से बेटा? पार्लियामेंट्री पावर्स। क्लियर? मतलब गवर्नमेंट कौन? हम मतलब पार्लियामेंट। आप समझो मेरी बात को। सर गवर्नमेंट कौन? हम मतलब, अच्छा कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी एक्ट बनाना है, चेंज करना है, कौन करेगा? हम मतलब पार्लियामेंट। सर कोई भी आप देखना फाइनेंस बिल आता है तो प्रपोजल होता है, वो प्रपोजल होता है। सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब उसको एग्री करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो साइन होता है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउस पार्लियामेंट के, वहां से वो साइन होता है, पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, तब जाके वो एक्ट बनता है। क्लियर? मतलब गवर्नमेंट कौन? हम सब लोग। ओके, एक्ट कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब हम। ओके, एक्ट चेंज कौन करेगा? पार्लियामेंट। कोई नया एक्ट लाना है कौन लाएगा? पार्लियामेंट। हम मतलब पार्लियामेंट। क्लियर? पक्का? यहां तक कोई डाउट? देख मैंने ये प्रेजेंशन लिया, आपको कुछ भी नहीं आता है और यू हैव टू इंटरेक्ट, बात करनी मेरे से आपको, भले वो वीडियो क्लास वाले स्टूडेंट्स हो आप लोगों। ओके, पक्का? गवर्नमेंट कौन? हम मतलब। एक्ट कौन बनाएगा? असर एक्ट में चेंज करना कौन करेगा? नया एक्ट लेके आना कौन लाएगा? पुराना एक्ट हटाना कौन हटाएगा? ओके, मतलब लॉ के अंदर जो भी अमेंडमेंट करना है कौन करेगा? मैं केवल टैक्सेशन लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया की कोई भी कानून उसकी बात कर रहा हूं आपसे। अरे क्लियर? समझा मेरी बात? ओके, तो सर जो भी लॉ में चेंज करना है कौन करेगा? पार्लियामेंट। ओके सर, नाउ यू टेल मी, क्या पार्लियामेंट का सेशन 24/7 365 डेज इन अ ईयर चलता है क्या? नहीं सर। साल में चार सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, साल में चार सेशन होते हैं, लगभग 15-20 दिन का एक सेशन होता है, डिपेंड्स। अब सर अगर 15-20 दिन का एक सेशन है, साल में चार सेशन होते हैं, इट मींस दो पार्लियामेंट्री सेशन के बीच में अराउंड 2 मंथ का गैप हो गया, लगभग 2 महीने गैप हो गया। सर मान लो आज डेट क्या है, सोच रहे हैं सर अभी सुबह उठे पता ही नहीं बड़ा क्या, 3 दिसंबर 2019, मान लो पार्लियामेंट का कोई सेशन नवंबर 30 नवंबर को ही खत्म हुआ है, खत्म हो गया सर, नेक्स्ट सेशन कब आएगा? लगभग 2 महीने बाद मान लो, और आज 3 दिसंबर को मुंबई में इतनी बारिश हुई, कभी भी हो सकती बारिश, कोई भरोसा नहीं है, इतनी बारिश हुई मुंबई में कि सर हर तरफ पानी। और अगर आपको पता हो तो देश का 90% से ज्यादा शुगर कहां स्टोर होता है पता है आपको? नहीं पता आपको? मुंबई। आपको अगर नहीं पता तो मेरे लिए बहुत इजी होता बताना सर। ओके 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 सर, मान लो मुंबई में होता है सर, और मैं फर्स्ट प्रेजेंस लेता इसलिए होंगे, आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं जो बोल रहा हूं सही है सर। ओके, पॉइंट ये है सर कि लगभग मान लो 90% शुगर ऑफ द कंट्री स्टोर होता है मुंबई में, और इतनी बारिश आई सारा शुगर खराब खत्म। अब सोचो शुगर जैसी गुड्स जो एक बेसिक नीड वाली गुड्स है, डेली रिक्वायर्ड है, डेली सुबह उठते ही रिक्वायर्ड है, रात को सोते वक्त रिक्वायर्ड है। अब सर शुगर जैसी गुड्स डिमांड तो कम होगी नहीं, लगभग डिमांड उतनी रहेगी, सप्लाई बिल्कुल कम हो गया, अब क्या होगा बताओ?
डेफिनेट सी बात है प्राइसेस हाइक हो जाएगी सर इसकी। अब प्राइसेस अगर हाइक होगी शुगर जैसी गुड्स की, इन्फ्लेशन के लग गया सर। इन्फ्लेशन एक ऐसी रेट पे जाएगा जहां गवर्नमेंट पे क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा, क्लियर। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उस टाइम पे, बोलना चाहिए फार्मर्स को, हमने आपके लोन माफ किए, आपको रातों रात जाके शुगर केन प्रोड्यूस करने हैं, मॉर्निंग में शुगर चाहिए, ऐसा क्या हो जाएगा ऐसा बोलने से? नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस आएगा शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, क्लियर। इट विल टेक इट्स ओन टाइम, तब तक क्या शुगर फ्री? हाँ सर। तो मेरा पॉइंट आपसे ये, मेरा पॉइंट आपसे ये कि एग्जिस्टिंग शुगर का स्टॉक खत्म, डिमांड उतना ही है, सप्लाई बहुत कम हो गया, प्राइसेस हाइक हो गए सर। अब डोमेस्टिक मार्केट में शुगर जो आएगी वो ओन प्रोडक्शन जो होगा वो टाइम लगेगा, तब तक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मीन वाइल टेम्पररी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उस टाइम पे एक्शन क्या लेना चाहिए सो दैट इन्फ्लेशन रेट इतनी हाई नहीं हो जाए? उस पर्टिकुलर टाइम पे शुगर के इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए सर। अब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर शुगर का इंपोर्ट उनको प्रमोट करना है तो शुगर पे कस्टम्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगता है सर। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब जब शुगर की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई और सर इन्फ्लेशन की सर रेट जो है बहुत हाई होने वाली है, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? शुगर पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए? कम करना चाहिए, कम करना चाहिए सर। इंपोर्ट ऑफ शुगर शुड बी प्रमोटेड एट दैट मोमेंट पर्टिकुलरली, अरे यस या नो? तो प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? शुगर की रेट कम करेंगे सर। तो कम करना मतलब कस्टम लॉ में चेंज करना है। लॉ में चेंज कौन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का सेशन कब खत्म हुआ है? 3-4 दिन पहले। अब क्या करेंगे? हवन करेंगे। आप समझ मेरी बात को? क्या इमीजिएटली, इमीजिएटली अभी के अभी पार्लियामेंट की सेशन को बुलाया जा सकता है क्या? मतलब हर 4-5 दिन में इस तरह का कोई इमरजेंसी हुआ और बुलाओ पार्लियामेंट, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्री है क्या यार? सारे लोग बिजी, केवल पार्सल मिले उनको करप्शन काम करने के लिए, सॉरी सर। तो मेरा पॉइंट आपसे ये कि सरकार ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट पर लॉ में चेंज कौन करेगा? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट का सेशन 3-4 दिन पहले खत्म हुआ है, अभी क्या करेंगे? इसलिए इसलिए इस तरह की सिचुएशंस को कवर करने के लिए हम लोगों ने जब एक्ट बनाया तो हमने इस बात को ध्यान रखा और हमने कुछ पावर्स हमने गवर्नमेंट को डायरेक्ट डेलीगेट कर दिए, उनको बोलते हैं डेलीगेटेड पावर्स। हमने सेक्शन नंबर 11 बनाया जीएसटी एक्ट में, हमने सेक्शन नंबर 6 बनाया आईजीएसटी एक्ट में, हमने सेक्शन नंबर 25 बनाया कस्टम्स एक्ट में, हमने सेक्शन 5A बनाया था एक्साइज एक्ट में, हमने सेक्शन 93 बनाया था सर्विस टैक्स में, और वहां लिखा था गवर्नमेंट हैज पावर टू ग्रांट एग्जिमिशन टू एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में रिक्वायर्ड है कि एग्जिमिशन शुड बी गिवन तो गवर्नमेंट डायरेक्टली एग्जिमिशन दे सकती है। सर ये सेक्शन हमने बनाया और आपने भी इतने सारे एक्ट पढ़ लिए इतने सालों में, आपने कई सारे एक्ट में देखा होगा बोर्ड हैज पावर, गवर्नमेंट हैज पावर, कई सारे सेक्शन देखा होगा, पर सारे सेक्शन नहीं देखा होगा। तो जिन सेक्शन में आपने ये देखा है उन सेक्शन में हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पावर दिया कि बिना पार्लियामेंट के सेंक्शन के, बिना पार्लियामेंट्री पावर के आप चाहे तो डायरेक्ट अमेंडमेंट कर सकते हो और उस पब्लिक इंटरेस्ट में आपने जो अमेंडमेंट किया उसको एप्लीकेबल कर सकते हो। समझे मेरी बात? तो सरकार आपने देखा होगा साल में बजट फाइनेंस बिल एक बार आता है पर साल भर अमेंडमेंट होते रहते सर, वो कहां से होते हैं? वो कहां से होते हैं? वो यही से होते हैं सर। समझे आप मेरी बात? क्लियर। अब ये सारी बातें मैंने आपको क्यों कही? बहुत सारे लोग बोले चल क्या रहा है सर, ये सब बातें मैंने आपसे क्यों शेयर करी? क्योंकि आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, फर्स्ट लेक्चर में ही ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि सर हमारे को कब तक के अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो एज पर आईसीएआई पॉलिसी एग्जाम मंथ से 6 मंथ पहले तक के अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम, जो एप्लीकेबल हो जाते हैं। कई बार प्रपोजल आ जाता है पर वो एप्लीकेबल नहीं होता है, जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं प्रायर टू 6 मंथ, अप टू 6 मंथ प्रायर टू द एग्जाम्स, वो सब रिलेवेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए। मतलब अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 2021 में है तो ऐसे केस में ऑल द अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव अप टिल 30th अप्रैल 2021 विल बी रिलेवेंट। अगर आपके एग्जाम्स मई 2022 में होने वाले हैं तो ऐसे केस में ऑल अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव और एप्लीकेबल अप टिल 31st अक्टूबर 2021 विल बी रिलेवेंट। एंड अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 2022 में है बच्चों तो ऐसे केस में 30 अप्रैल 2022 तक के अमेंडमेंट्स
विल बी रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, और वहां तक के अमेंडमेंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे. ओके पर बच्चों अभी है अप्रैल 2021, तो जितने भी अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव अप टिल 30th अप्रैल 2021, वो सारे अमेंडमेंट्स हम इन लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सारे अमेंडमेंट्स हम इसमें इंसर्ट कर देंगे, जहां भी हमको लेक्चर में चेंज करना है. जिस तरह से आपको ये क्लिप चेंज करी हुई मिली होगी, ऐसे हम सारे अमेंडमेंट्स इंसर्ट कर देंगे. क्लियर? एंड 30 अप्रैल 2021 तक के सारे अमेंडमेंट लेक्चर आपको ये मिलेंगे. क्लियर? पर जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स मई 2022 है, उनके लिए इन सिक्स मंथ्स में जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए बिटवीन दी सिक्स मंथ्स, ये अमेंडमेंट लेक्चर आपके लिए सेपरेटली यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, जैसे मैं हर एग्जाम के लिए हर अटेम्प्ट में करता हूं. क्लियर? अलोंग विद द अमेंडमेंट नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म. ओके, वो आपको मिल जाएंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं. वैसे भी अमेंडमेंट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं. जीएसटी के आपने देखे होंगे, अगर इनडायरेक्ट टैक्स, हर बार जो हर 6 महीने के अमेंडमेंट जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूं, मैक्सिमम लगभग 3-4-5 घंटे के होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते. क्लियर? बस आपका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है. हम शानदार तरीके से उसको एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हुए सर सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लेते हैं, सारे अमेंडमेंट कवर कर लेंगे, एंड वो यूट्यूब पे आ जाएगा. डोंट वरी फॉर दैट. और हाँ, वैसे भी अमेंडमेंट की वजह से बेसिक लॉ चेंज नहीं होता. ओके सर, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपने इन लेक्चर को सबको देखा है, तो अमेंडमेंट्स अपने आप समझ में आते हैं कि क्या हो रहा है. अमेंडमेंट्स आर मियर इंप्रूवमेंट इन द लॉ और फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, नथिंग एल्स. ओके, वो मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट. अगर आपके एग्जाम्स मई 2022 में है, और अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 2022 में होने वाले हैं, तो फर्दर 6 मंथ के जो और अमेंडमेंट होंगे, वो बाद में एक और यूट्यूब पे अमेंडमेंट लेक्चर आएगा, रेस्पेक्टिव अटेम्प्ट के लिए मैं डालता हूं, वहां से आप रेफर कर सकते हो. ओके तो सर फिलहाल इन लेक्चर्स में जो हम बातें करने वाले हैं, वो सब वो बातें होगी जो अमेंड हो चुकी अप टिल 30th अप्रैल 2021. और हां, ध्यान रखना, अगर 1 मई 2021 को कोई अमेंडमेंट अगर एप्लीकेबल हुआ या उसके बाद कोई एप्लीकेबल हुआ, तो हमको नहीं आता. मतलब अगर आपको और मेरे को वो आता भी है, क्योंकि देखो बेटा, आजकल व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे अमेंडमेंट्स वगैरह कई सारे आ जाते हैं, पर आपके ध्यान रखना एग्जामिनेशन पर्पज के लिए उनको कंसिडर मत करना. क्योंकि आपने अगर अमेंडमेंट्स जो 1 मई के बाद हुए हैं, उनको अगर कंसिडर कर लिया नवंबर 2021 के एग्जाम्स के लिए, तो आपके एग्जाम्स में आंसर गलत हो जाएंगे. प्लस जिनके भी एग्जाम्स मई 22 या नवंबर 2022 है, आप भी उन अमेंडमेंट्स को अभी पढ़ाई करते वक्त रेफर मत करिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बुक्स देने वाला हूं इन मैच के साथ में, वो सब अमेंडमेंट होगी 30 अप्रैल 2021 तक के लिए. और उसके बाद के जो अमेंडमेंट्स होंगे, वो मैं सारे अमेंडमेंट्स एक साथ सिस्टमेटिकली आपको लिंक करते हुए कि कहां पे क्या चेंज हुआ, उसका क्या इंपैक्ट आया है, वो यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं विद अमेंडमेंट नोट्स. तो वो सब मैं कवर कर लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, आप उनका लोड मत रखिएगा. ओके तो सर शुरू करें क्या? ओके कंटिन्यू करिए बच्चों, तो शुरू करें क्या? माहौल जबरदस्त. सर गवर्नमेंट कौन, जल्दी बताओ, गवर्नमेंट कौन? ओके सर टैक्सेस क्या है? रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट. ओके टैक्स कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट. पे कौन करता है? हम सब. किसके लिए पे करते हैं? देश चलाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए. क्लियर? अल्टीमेटली हमारे लिए सर, जो शायद. ओके सर, देर आर टू वेज, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन. ओके हम कवर कर रहे हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेशन. ओके तो लेट्स बिगिन विद इनडायरेक्ट टैक्सेशन. अब मैं अपने सिलेबस की बात करता हूं सर. IDT इनडायरेक्ट टैक्सेशन 100 मार्क्स का पेपर है सर आपके लिए, CA एड पेपर. जिनके भी CS के एग्जामिनेशन के लिए 70 मार्क का पेपर है ये. इसमें GST, कस्टम्स प्लस FTP. क्लियर? GST है आउट ऑफ 100 मार्क्स 75 मार्क्स, कस्टम्स एंड FTP मिला के 25 मार्क्स. ओके जिसमें अराउंड FTP लगभग डिफाइन तो नहीं है, पर ऐसा आइडिया है जो एक्सपीरियंस का हुआ है, लगभग 5 मार्क का होता है FTP. तो 20 मार्क का हो गया कस्टम, 5 मार्क का FTP, डिफाइन नहीं पर एवरेज यही होता है. ओके तो सर कहां से शुरू करें, GST या कस्टम्स? देश में एक ही नाम अभी तो ये चल रहा है. क्या चल रहा है सर? GST. हर ऑफिस में एक ही काम, GST हर महीने सर. ओके तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, CGST, SGST, IGST, UTGST, बहुत सारे हैं सर. ओके तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल, इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करने से पहले, GST शुरू करने से पहले,
आप और हम ये बात करेंगे कि आखिर जीएसटी क्यों आया, कब से आया? 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हो गया. सर आखिर जीएसटी क्यों आया, व्हाई जीएसटी केम इनटू फोर्स? यस सर. कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए, क्यों मर्ज हुए, वो हम बात करते पहले. ओके सर, जो भी बात कर रहा हूं ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आते हैं, नो डाउट जो लास्ट हाफ एन आवर में मैंने बात करी आपसे, और नेक्स्ट अराउंड हाफ एन आवर और हाफ एन आवर या वन आवर जो भी बात करने वाला हूं शायद आप सबको आता है. पर सर बुक से लिंक अगर नहीं है तो जो आता है वो काम का नहीं है. ओके तो मेरा पॉलिसी यही है कि राइट फ्रॉम द स्क्रैच मुझे शुरू करना है. मैं प्रेजेंशन लेता हूं, आपको कुछ भी नहीं आता है, क्लियर? और वो सब बातें जो आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से आती है वो भी मेरे को डिस्कस करते हुए बुक से लिंक करना है, क्लियर? तो सर पहले बात करेंगे आखिर जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, क्या तकलीफ थी पुराने लॉ के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को, क्लियर? तो सर सबसे पहले जब जीएसटी नहीं था तब मेजर टैक्सेस की बात करें हम तो क्या क्या थे सर? सर एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, वेट ऑन सेल ऑफ गुड्स, सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज, मेजर टैक्स ये है, अदर टैक्सेस तो मर्ज हुए ही नो डाउट. तो सर सबसे पहली बात एक्साइज, एक्साइज लेवी कब होता था? प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर. वेट सेल्स टैक्स लेवी कब होता था? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज अगर आपने प्रोवाइड करी तो सर्विस टैक्स विल बी चार्ज, क्लियर? ओके तो सर मैन्युफैक्चरर, बात समझ ध्यान से आराम से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके जीएसटी के कॉन्सेप्ट समझने में बहुत इजी होंगे, क्लियर? और लिंक कर दूंगा हम सारी बातों को, और जैसे ही लिंकिंग हो गया आपका उसके बाद आपके लिए इंडायरेक्ट टैक्स विल बी वेरी स्मूथ सब्जेक्ट. सुना ध्यान से सर, मैन्युफैक्चरर जब गुड्स मैन्युफैक्चर करता था तो क्या लगता था उस पर? एक्साइज. और जब उसने मैन्युफैक्चर कर लिया है फिर जब वो सेल करेगा तब क्या लगता था? वेट, क्लियर? तो मतलब मैन्युफैक्चर पे दो टैक्स थे, कौन कौन से? एक्साइज और वेट, क्योंकि मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और बेच भी रहा है. अगर आप डीलर हो, ट्रेडर हो, तो आप पे क्या लगेगा सर? वेट. क्या लगेगा मालिक? वेट, एक्साइज नहीं लगेगा. ओके अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या लगेगा? ओके सर एक्साइज किसका रेवेन्यू? सेंट्रल गवर्नमेंट का. वेट किसका रेवेन्यू? स्टेट गवर्नमेंट का. सर्विस टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट का. ओके तो सर कुछ एग्जांपल से बात कर लेते हैं, उससे समझ में आएगा कि क्या तकलीफ थी, कैसे ऑपरेट होता था लो, क्लियर? और नया लो कैसे इंप्लीमेंट हुआ. ओके समझना ध्यान से, हम बात कर रहे हैं जब जीएसटी नहीं था तब की बात कर रहे हैं. ओके लास्ट में दिख रहा आपको क्या लिखा है? ओके अब लिखूंगा. ओके सर सुनो ध्यान से, मान लो एग्जाम्पल लेते एक्साइज का. मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर, मैं मार्कर मैन्युफैक्चर करता हूं. ओके मार्कर मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने आपसे इनपुट परचेज किए रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक. मैंने आपसे इनपुट परचेज किया 100 में, क्लियर? अच्छा यू आर अगेन अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट इनपुट. तो आपने जब मैन्युफैक्चर करके मेरे को दिया होगा तो एक्साइज लगाया होगा सर. अभी वेट कौन भूल जाते हैं, वेट नहीं लगाया, ठीक है, केवल एक्साइज. आपने एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया होगा 10 रुपी, टोटल हो गया कितना? 110. ये मेरे लिए परचेज इन्वॉइस हो गया सर, क्लियर? 110 का. सॉरी. अब इस इनपुट को यूज करके मैं मार्कर बनाऊंगा. अगेन मार्कर बना के जब सेल करूंगा तो क्या लगेगा? एक्साइज. सिंस मेरे सेल पे एक्साइज लगेगा, परचेज भी मैंने एक्साइज पे किया, क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सिंस उस परचेज प्राइस पे तू ऑलरेडी एक्साइज पे कर चुका है, अगेन उसी गुड्स पर वापस सेल करेगा तो एक्साइज लगेगा. तो जो परचेज पे टैक्स पे किया उसको आपको क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको पहले बोलते थे सैंडविच क्रेडिट, क्लियर? तो मैंने सैंडविच क्रेडिट अवेल कर लिया, ले लिया, कितने का? 10 का. तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई सर? आउट ऑफ 110, 10 का मैंने क्रेडिट ले लिया तो मेरी कॉस्ट होगी कितनी? 100. मैंने अपना मार्जिन ऐड किया, मतलब मेरे अपने खर्चे होंगे सर, मेरा अपना प्रॉफिट मार्जिन भी होगा सर. टोटल हो गया कितना? 40, क्लियर? टोटल हो गया कितना? 140. अच्छा मार्जिन जो ऐड किया, मेरे जो खर्चे ऐड किया उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन. मैंने वैल्यू एडिशन किया कितने का? 40 का. ओके तो सर 100 का मेरा कॉस्ट था पहले का परचेज का, देन 40 मैंने और कॉस्ट ऐड किया इंक्लूडिंग माय प्रॉफिट, तो हो गया कितना? 140. ये मेरा सेल प्राइस आ गया किसका? आउटपुट गुड्स का. अरे क्लियर? आउटपुट गुड्स जब मैं बेचूंगा, अगेन मैंने मैन्युफैक्चर किया है, क्या लगेगा मालिक? से 10% एक्साइज,
14 टोटल 154 इनडायरेक्ट टैक्स सर. मैंने कस्टमर को बिल बनाया, इनडायरेक्ट टैक्स से कस्टमर से मैंने 154 इंक्लूडिंग 14 एक्साइज लिया. अब एक्साइज किसका रेवेन्यू है सर? कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर, किसको पे करूंगा मैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को. कितना पे करूंगा? 14. अब 14 पे करते वक्त मैं क्या करूंगा सर? सिंस मैंने 10 ऑलरेडी पे कर दिया था, उसका मेरे पास सर्टिफिकेट पड़ा है सर, उस सर्टिफिकेट को मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा और बैलेंस फॉर पे कर दूंगा. अरे क्लियर, समझे मेरी बात? ओके, तो सर अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कितना मिल गया सर? 14 पूरा मिल गया, 10 ऊपर जब मैंने परचेज किया था तब, और 4 अभी. कितना हो गया सर? 14. ओके, तो सर अल्टीमेटली दिस इज हाउ एक्साइज वॉज बींग गवर्न. समझे मेरी बात? ऐसे ऑपरेट होता था. समझा मेरी बात आपको? आवाज नहीं आ रही? ओए ओके सर, अब बात करता हूं एक्साइज प्लस वेट दोनों की. बात करता हूं मैं आपसे, एक्साइज प्लस वेट. ये ले लेते एग्जाम्पल, ये भी ले लू. ओके, राइटिंग समझ में आ रही आपको मेरी? नहीं आ रही? कोशिश करो समझ में आएगी सर. पॉइंट ये, एक्साइज प्लस वेट. ओके सर, मान लो एक्साइज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. ओके सर, मैंने प्लास्टिक परचेज किया, इनपुट परचेज किया, कितने का? 100 का. उस पे एक्साइज पे किया कितना बेटा? 10, टोटल 110. सिंस आपने वो इनपुट मुझे सेल भी किया, इसलिए क्या लगेगा मालिक? वेट. कितना से? 4%. कितना हो गया? 4.40. सर वेट वॉज बिंग चार्ज ऑन 110 इंक्लूडिंग एक्साइज ऑल्सो. ओके, टोटल हो गया 114.40. ये आपने मुझे इनवॉइस दिया है. प्रैक्टिकली ऐसे ऑपरेट होता था एक्साइज एंड वेट. ओके, अब सिंस आपने जो मुझे प्लास्टिक दिया, इनपुट दिया है, इसको यूज करके मैं मार्कर बनाऊंगा और मार्कर बना के बेचूंगा. मार्कर बना के जब बेचूंगा तो उस पर एक्साइज भी लगेगा और वेट भी लगेगा सर. इसलिए जो एक्साइज पे किया उसका मैंने सैंडविच क्रेडिट अवेल कर लिया 10 का. सिंस मेरे सेल करने पे वेट भी लगने वाला है, इसलिए मुझे वेट क्रेडिट मिल गया. कितने का बेटा? 4.40 का. आउट ऑफ 114.4, 10 का सैंडविच क्रेडिट, 4.4 का वेट क्रेडिट, तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी सर? 100. मैंने अपना वैल्यू एडिशन ऐड किया, अपने खर्चे, अपने मार्जिन वगैरह, कितना? 40. टोटल 140. ये मेरा आउटपुट गुड्स बन गया मालिक. इसको जब मैं बेचूंगा मैन्युफैक्चर के असली क्या लगेगा? एक्साइज से 10% कितना हो गया सर? 14. 154. बेचूंगा अगेन से 4% इज द वेट, कितना हो गया? 6.16. टोटल कम्स टू 160.16. ये मेरा सेल इनवॉइस है सर. क्लियर, ये मेरा सेल इनवॉइस हो गया 160.16 का. इनडायरेक्ट टैक्स है, अगेन कस्टमर को मैंने बिल लिखा 160.16, उससे ले लिया. किसको पे करूंगा अब? गवर्नमेंट को. कौन सी गवर्नमेंट को सर? स्टेट को. दोनों को सर. एक्साइज किसको पे करूंगा? उसके लिए मेरे पास क्या पड़ा है सर? सैंडविच किट पड़ा है. कितने का? 10 का. मैंने सैंडविच किट यूज कर लिया. बैलेंस कितना है सर? मैंने पे कर दिया. वेट जब पे करूंगा तो मेरे पास क्रेडिट कितना है सर? मैंने वेट क्रेडिट यूज कर लिया. बैलेंस 1.76 पे कर दिया. क्लियर. चलो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, मान लो किसी सिनेरियो में मेरे पास वेट का क्रेडिट एक्स्ट्रा पड़ा है और एक्साइज की लायबिलिटी है, क्या क्या वेट का क्रेडिट एक्साइज में काम आ सकता है? क्या वेट का क्रेडिट एक्साइज में काम आ सकता है? सिमिलरली एक्साइज का क्रेडिट जो सैंडविच क्रेडिट है वो वेट में काम आ सकता है क्या? क्यों नहीं? क्योंकि जब आपने टैक्स पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को तो क्रेडिट भी कौन देगा? आपने टैक्स पे किया स्टेट गवर्नमेंट को तो क्रेडिट भी कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट. पक्का? इसलिए वेट का क्रेडिट एक्साइज में काम नहीं आता है, सैंडविच क्रेडिट वेट में काम नहीं आता सर. क्लियर, पक्का, डन. तो दिस इज हाउ प्रैक्टिकली एक्साइज और वेट ऑपरेट होता था सर. क्लियर आपको? ओके सर, अब मेरा पॉइंट आपसे यह है, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन, आपने देखा एक्साइज हो या वेट हो, मेरा पॉइंट ये है कि आखिर ये 10 का जो सैंडविच क्रेडिट मिला है वो क्यों मिला है सर? पॉइंट ये है आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला? आप एक काम करो, हम यहां बात करते हैं इधर,
फर्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं, सेकंड छोड़ दो आप, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला। ओके यस सर, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ध्यान रखना ये अब जो बात करने वाला हूं आपसे ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 10 का क्रेडिट क्यों मिला कि सर इसी एक फंडामेंटल के बेस पे मैं पूरा जीएसटी पढ़ा दूंगा आपको, क्लियर, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, समझे मेरी बात। ये जब लेक्चर खत्म होगा आपका, ये जो एक महीने का बैच अपना है खत्म होगा, तो आपको याद रहने वाला केवल एक ही चीज, क्या, 10 का क्रेडिट क्यों मिला। मेनी पीपल आर वंडरिंग, अच्छा यही याद रहेगा सर। ओके तो सर क्योंकि सब चीज याद करनी नहीं आपको, हर एक चीज समझ में आएगी अपने आप। ओके सर सुनना, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, यस सर, यस सर, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि परचेस पर टैक्स पे किया है सर। अरे हाँ है ना, ओके परचेस पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है, ठीक है सर। सेकंड एक और थर्ड एग्जांपल और लेते हैं इधर, मान लो आप क्या बनाते हो, मार्कर में बनाता मंगल, ओके सर प्लास्टिक, मान लो यू आर अ मैन्युफैक्चरर, चलो आप बनाते हो पेन, क्लियर, आप मान लो ये पेन बनाते हो सर, क्लियर सर, आप पेन के मैन्युफैक्चरर हो और पेन पे मान लो एक्साइज एग्जिम्ट है, एग्जिम्ट है, चार्ज नहीं होता है, कुल मिला के एक्साइज पे नहीं करना सर। ओके आपने भी पेन बनाने के लिए प्लास्टिक परचेज किया, कितने में, 100 में, अच्छा प्लास्टिक पे एक्साइज एग्जिम नहीं है, प्लास्टिक पे टैक्स है कितना, 10%, 10 टोटल 110, आपके पास ये परचेज बिल आया होगा सर, हूं तो करोगा हमसे हम, और हाँ हाँ मैं अगर थोड़ा तकलीफ ज्यादा होता हो तो हूं कर देना, चलेगा मेरे को, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके ऐसे नहीं रिदम से, ओके ठीक है डन। तो सर धीरे धीरे लोग कंफर्ट जोन में आ रहे हैं अब, तो सर प्लास्टिक परचेज क्या कितने में, 110 में। ओके सर सिंस इस प्लास्टिक से आप ऐसा मार्कर बनाओगे जिसपे एक्साइज एग्जिम्ड है, नहीं लगता है सर, इसलिए आपने 10 रुपीज जो टैक्स पे किया, क्या इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने मान लो क्रेडिट देने से मना कर दिया, क्यों, आपके सेल पे टैक्स नहीं है, क्लियर, डबल टैक्स तो हो नहीं रहा, किस बात का क्रेडिट सर। ओके तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी मालिक, 110। ओके जैसे आपकी कॉस्ट 110 हुई, आपने आपका वैल्यू एडिशन मार्जिन एड किया कितना बेटा, 40, टोटल हो गया 150, ये आपका आउटपुट गुड्स बन गया, क्लियर, पेन उस पर एक्साइज कितना मालिक एग्जिम्ट है, ये 150 का आपका सेल प्राइस हो गया, ये इनवॉइस बन गया 150 का, क्लियर। अब आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने अगर 10 का क्रेडिट यहां पर नहीं दिया तो क्या गलत किया है, क्या कोई डबल टैक्सेशन हो रहा है, मल्टीपल टैक्सेशन हो रहा है क्या यहां पे, नहीं हो रहा है, क्लियर, मतलब अभी अभी आपने कहा मुझे कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलता है, तो क्या परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट मिलना कंपलसरी है, नहीं, तो परचेज पे टैक्स पे किया इसलिए क्रेडिट नहीं मिलता। आपने भी देखो ना सर, अरे आपने भी तो लैपटॉप परचेज किया होगा, आपने भी मार्कर परचेज किए होंगे, आपने भी पेन परचेज किए होंगे, आपने भी वॉच परचेज किया, रोज बहुत सारी गुड्स परचेज करते हो आप, क्या आपने कभी क्रेडिट लिया, क्यों नहीं लिया, आप समझे, इसलिए परचेज पे टैक्स पे करने की वजह से क्रेडिट नहीं मिलता मालिक, क्लियर, समझे मेरी बात। देखो देखो अपने को एक जनरल आइडिया से टेक्निकल पॉइंट तक पहुंचना है, अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लियर, वो जो डिफरेंस है वो अपने को यहां समझना है, क्लियर, और हर चीज को एज ए लेमन समझना है, क्लियर, बहुत आराम से कंफर्टेबली सर बात को समझो। अब मुझे बताओ आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ये सर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, सेल पे भी टैक्स लग रहा है और कितने पे लग रहा है, 140 भी लग रहा है, 140 इंक्लूड्स 100, यस परफेक्ट, ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है, तो यार मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, उस 100 पे जो टैक्स पे कर दिया उस 100 पे वापस लग रहा है टैक्स, देख लो आप सर, उसको बोलते हैं मल्टीपल टैक्सेशन, जिसको आप लोग कई बार बोलते हो डबल टैक्सेशन। देखिए यार दो स्टेप इसलिए डबल टैक्सेशन, एक स्टेप और डाल दी तो ट्रिपल टैक्सेशन, फोर टाइम टैक्सेशन, इसलिए बेटर टू से मल्टीपल टैक्सेशन, क्लियर। प्लस आपने अगर 10 का क्रेडिट नहीं लिया होता, 10 का क्रेडिट नहीं लिया होता तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनता बेटा वो, क्लियर, और फिर अगर पूरी प्राइस पे टैक्स लगता तो टैक्स कंपोनेंट पे टैक्स लग जाता सर, कैसे, देखना ध्यान से, अगर मान लो
अगर मान लो एक्साइज है और गवर्नमेंट ने क्रेडिट नहीं दिया होता तो क्या होता, आपने 100 परचेज किया, 10 रुपी टैक्स पे किया, टोटल 110 सर। अगर क्रेडिट नहीं मिलता, नहीं है तो कोष कितना मालिक, 110, आपने वैल्यू एडिशन एड किया कितना 40, टोटल कितना हो गया 150, क्लियर। अब 150 का जो सेल प्राइस है, अगेन उस पर पूरे पे अगर एक्साइज लग जाता कितना 15, टोटल 165। आप देखेंगे अगर क्रेडिट मिलता तो हमारा सेल प्राइस था 154, और था ना 144, हाँ है ना, और वही अभी कितना आ रहा सर 165। आप 165 में अगर देखेंगे तो 25 द टैक्स, 25 कैसे आया सर, 10 यहां पे किया, 15 यहां पे किया, क्योंकि कोई क्रेडिट नहीं मिला आपको सर, क्लियर। तो इस 100 पे डबल टैक्सेशन भी हो गया, मतलब इसको बोल रहे मल्टीपल टैक्सेशन। प्लस आप देखेंगे ये जो 10 रुपी ना, 10 रुपी ये 10 भी तो इसमें इंक्लूड है, उस 10 पे भी 10% लगाया सर, उस 10 पे भी एक्साइज लगाया मालिक, क्लियर। तो एक्साइज पे जो एक्साइज लगता है उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, क्या बोलते सर, ओके। तो अगर हमको 10 का ग्रेड नहीं मिलता तो क्या होता, मल्टीपल टैक्स होता, कैस्केडिंग इफेक्ट होता, क्लियर। और अल्टीमेटली टैक्स बहुत ज्यादा ज्यादा गवर्नमेंट को जितना डिसाइड किया उससे भी कहीं ज्यादा सर। अगर किसी गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स है 10%, तो 10% आना चाहिए ना यार, 25 तो बहुत ज्यादा हो गया सर, क्लियर। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला है, हाँ है ना। अब इन सब बातों को मैं मर्ज करता हूं और एक बात में कन्वर्ट करता हूं कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्लियर। सर सुनना ध्यान से बात को, आपको एक एक बात सर याद नहीं करनी है, एक बात तो ये ध्यान रखना, आपको एक भी बात याद नहीं करनी है, क्लियर, समझना है। जब तक उसका रूट आपको नहीं पता, मैं बोल दूंगा लाइन याद कर दो तो जिंदगी में कभी याद नहीं हो पाएगी, याद कर भी ली 4-5 दिन में भूल जाएंगे हम, क्लियर। याद नहीं करना, समझना, दिल तक बात पहुंचनी चाहिए, ओके। तो सर और एक बात और, ये ध्यान रखो यार, हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, हम सीख रहे। पढ़ाई वर्ड से क्या नफरत हो गई बहुत सारे लोगों को, तो ये देखो चेहरे से सर मन की बात सर ओके आप बात सुनो आराम से, मस्त हो के, क्लियर, इंटरेक्ट करो, समझते जाओ, सुनते जाओ, हो जाएगा काम अपना, ओके। मेरा पॉइंट आपसे ये कि आखिर ये 10 का ग्रेड क्यों मिला, क्योंकि टैक्स लग रहा है वो पूरे 140 लग रहा है, हूं तो करते जाओ रहे, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला है, समझे मेरी बात, ये परफेक्ट लाइन हो गई, इससे भी उन कुछ भी नहीं है सर, ओके। तो एक बार वापस हम रिपीट करेंगे, समझेंगे, बात करेंगे, और सर सबकी आवाज आनी चाहिए कि आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, ओके। हूं मैं करूंगा, आप देखना सर, ओके। तो सर आखिर ये 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो, अच्छा वापस मैं बोल रहा हूं एक बार फिर आपको रिपीट करना, ओके, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 लग रहा है, इसमें शॉर्टकट कुछ भी नहीं आना चाहिए, जो बोल रहा हूं एक वर्ड होना चाहिए सर, क्लियर, क्योंकि बहुत सोचा समझा बात है ये वाला, क्योंकि टैक्स लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स रुपीज 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला, क्लियर, पक्का 100%, 1, 2, 3 गो, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स रुपीज 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला, क्लियर। अब आपको ही बोलना है, ओके सर, वीडियो क्लास में जो उनको भी सुन रहा हूं, आवाज आनी चाहिए, 1, 2, 3 गो, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स लग रहा है वो पूरे, विच इंक्लूड्स रुपीज ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द एंड 10 क्रेडिट मिला, पक्का, डन, आंखें बंद। अब इसको विजुलाइज करना है, फील करना है कि आखिर 10 क्रेडिट क्यों मिला, क्लियर, आंखें बंद, क्लियर। और सर सोना नहीं होए सर, ओके, जस्ट इमेजिन और सोचो, इसको विजुलाइज करो, याद नहीं करना है, क्लियर, फील करना है कि 10 क्रेडिट क्यों मिल रहा है सर, आंखें बंद, आखिर ये 10 क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि आपको बोलना नहीं, फील करना है, क्योंकि क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100,
ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है यार, मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 10 का क्रेडिट मिला. ओम शांति शांति. अबे उठ ओए सर. ओके सर, तो आखिर 10 का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आपको? आवाज नहीं आ रही ओए. ओके तो सर अब मेरा एक पॉइंट आपसे, देखना ध्यान से मंगेश भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये, आप सेकंड वाली इमेज पे जाओ यहां पे, देखना ध्यान से. जब एक्सरसाइज और वेट था, 10 का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आया? आवाज नहीं आ रही भाई. मेरे को आंसर चाहिए, आखिर ये 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला? सेम एज अबाउ जो आईपीसी में एग्जाम लिखा था वही सीएफएन वाले को एग्जाम लिख देना, जो आईपीसी में लिखा था एग्जाम वही है सर. सर वो नहीं, आईपीसी जा गया. सरकार 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला? यस सर, क्योंकि टैक्स लग रहा है वो पूरे 154 पे लग रहा है, विच इंक्लूड्स 110 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द वेट, और वापस से पूरे 154 इंक्लूडिंग 110 पे वेट लग रहा है. सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, 4.4 का वेट क्रेडिट मिला. मतलब आप अगर देखेंगे तो केवल फिगर्स चेंज हुए सर, फंडामेंटल एब्सोल्युटली सेम है. और सर वेट का क्रेडिट एक्साइज में काम आएगा क्या? एक्साइज के वेट में काम आएगा क्या? यही है सीजीएसटी और एसजीएसटी. सीजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. हम बात कर रहे हैं, अब यहां से सीखो आप. आप ये मत समझो ये तो चला गया, आप क्या करना है. अरे भाई यही आया है, बहुत सारे लोग तो बैठे, अरे छोड़ना. तू बोल मंगल, चल रहा चालू रख. अब पता पड़ा सीजीएसटी और एसजीएसटी भी कवर हो गया सर. ओके तो सर मैं कहां क्या कनेक्ट करने वाला हूं आपको नहीं पता, क्लियर? सो हर एक बात को आप समझो, हर चीज का लिंक है, हम वही बात करेंगे जो काम की है. क्लियर? तो सर एक्सरसाइज और वेट का फंडा समझ में आपको मेरा? पक्का बच्चों? ओके एक और बात, एक और बात, जो भी स्लाइड्स में यहां लिख रहा हूं, जो भी काम की स्लाइड्स होगी लेक्चर के बाद, एक हम लेक्चर जब खत्म होने वाला होगा तब एक टाइम रखेंगे, यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड्स. ओके सो दैट यू कैन कॉपी दिस स्लाइड्स आपकी नोटबुक के अंदर. क्लियर? आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा यहां नोट करने में. अच्छा जिनकी आदत है लिखने की वो लिखो, वो कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? अदरवाइज नोट करने के लिए हमें टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है यहां पे, चलेगा ना? ओके सर सुनो ध्यान से बात को. इधर ध्यान. अच्छा आपको इस क्लास में जो बैठे हैं अभी बुक नहीं आई इसलिए नोट्स मिले होंगे, और जो वीडियो क्लास देख रहे हैं उनके पास बुक भी आ गई होगी, मतलब ये तो लेट देखेंगे ना इसलिए उनको आ गई होगी. तो सर ये 3rd December को देखने थे, वो रिकॉर्डेड हो रहा था बाद में देखेंगे. तो जो नोट्स आपको मिले या बुक जो आपको मिली है बंद कर दो उसको. ओके ध्यान इधर सर. इधर यार. ओके थैंक यू फॉर द कंसर्न सर. नहीं लिटरली दिल से थैंक यू यार, मतलब अब चालू है या नहीं है वो एक बात की बात है, पर इसने कंसर्न तो रखा कम से कम मेरे लिए. थैंक यू सर. तो सर मतलब ये वो प्यार है जो मेरे को मतलब मोटिवेट करता है काम करने के लिए सर. सर अब तू इसको गलत ट्रैक में मत ले जा भाई. ओके ओके सर सुनना बात को ध्यान से. तो सर एक्साइज, ओके एक्साइज इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेट इज द रेवेन्यू ऑफ सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट. अब बात करते हैं सर्विस टैक्स की. ओके सर सर्विस टैक्स की बात करने से पहले एक बात बस मेरे को थोड़ा फिनिशिंग करना है. 10 का क्रेडिट क्यों मिला समझ में आया आपको? 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला समझ में आया आपको? अच्छा इज इट एसेंशियल कि परचेज पे टैक्स पे किया तो क्रेडिट मिलना ही मिलना है? नहीं. अगर आपकी सेल पर एक्साइज लग रहा है तो एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा. अगर आपकी सेल पे वेट लग रहा है तो वेट का क्रेडिट मिलेगा. अच्छा मान लो आपकी सेल पे एक्साइज लग रहा है पर वेट नहीं लग रहा है, तो एक्साइज का क्रेडिट मिलेगा पर वेट का नहीं मिलेगा, कंफर्म? ओके अगर आपकी सेल पे वेट लग रहा है पर एक्साइज नहीं लग रहा तो वेट का क्रेडिट मिलेगा, एक्साइज का
मतलब इट्स नॉट एसेंशियल कि कोई भी टैक्स लग जाए तो क्रेडिट लेने ही लेना, ऐसा नहीं है। ये कंफर्म हो गई सर बात? ओके सर, सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज इज ऑल्सो द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए सिंस डिपार्टमेंट भी एक सीबीआईसी अभी नाम हो गया, जिसका पहले नाम था सीबीएसई, डिपार्टमेंट भी एक, गवर्नमेंट भी एक, भले सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो, क्लियर। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए परचेज किया कोई गुड्स या सर्विसेज जिसपे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, एक ही गवर्नमेंट को पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया दोनों को क्या मिलता था? सैंडविच क्रेडिट। दोनों को क्या मिलेगा सर? और खास बात, आपने परचेज पे एक्साइज पे किया हो या सर्विस टैक्स पे किया, दोनों का सैंडविच क्रेडिट मिलता है। और खास बात, दोनों का सैंडविच क्रेडिट दोनों के लिए काम आता है। देख, वेट किसको पे किया था आपने? स्टेट को, इसलिए वेट काम नहीं आता था एक्साइज में। पर सर्विस टैक्स किसको पे किया? एक्साइज, इसलिए आपके सेल पर एक्साइज लगे या सेल पे सर्विस टैक्स लगे, परचेज पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, दोनों का सैंडविच क्रेडिट दोनों में काम आता है सब। हाँ है ना? पक्का बच्चों? ओके डन। तो अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं सर, क्या करता हूं? सर्विस प्रोवाइड करता हूं सर, क्या लगेगा? सर्विस टैक्स, अभी जीएसटी नहीं है, क्या लगेगा मालिक? सर्विस टैक्स। जब मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा तो क्या वेट लगेगा? नहीं, सर्विसेज पे वेट नहीं था, क्लियर। ओके सर, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड करी, क्या लगेगा मालिक? सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मान लो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या आप एग्जांपल इस क्लासरूम का ले लो सर, ये कोचिंग क्लास का ले लो सर, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमने लैपटॉप परचेज किया, ये एसी परचेज किया, प्रोजेक्टर परचेज किया, कैमरा परचेज किया, कई सारी गुड्स परचेज करी जो भी आप देख रहे हो सर, इनके परचेज पे हमने एक्साइज पे किया, इनके परचेज पे हमने वेट भी पे किया होगा मालिक, और इनको यूज करके हम सर्विसेज दे रहे हैं, सेल पे क्या लग रहा है हमारे? सर्विस टैक्स, क्या वेट लग रहा है? तो सर हमने जो एक्साइज पे किया उसका क्या मिल जाएगा? सैंडविच क्रेडिट, पर वेट का नहीं मिलेगा, क्लियर। अच्छा, हमने कुछ सर्विसेज भी ली होगी सर, जैसे हम वीडियो रिकॉर्डिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, इसमें हमने क्या पे किया? सर्विस टैक्स, इसका भी हमको क्या मिल जाएगा? सैंडविच क्रेडिट। अरे पक्का बच्चों? मतलब अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, अब समझना बच्चों बात को, हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। ओके, अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं, कौन मैं? क्या लगेगा मालिक? सर्विस टैक्स, इसलिए मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया, मुझे क्या मिल जाएगा? सैंडविच क्रेडिट, पर वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्लियर। सेकेंड, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, कौन बेटा मैं? तो मैन्युफैक्चरर भी क्या लगेगा? एक्साइज भी लगता है और वेट भी लगता है, इसलिए परचेज मैंने एक्साइज पे किया हो, सर्विस टैक्स पे किया हो या वेट पे किया हो, मैं जनरल बात कर रहा हूं, ओवरव्यू इंडस्ट्री वाइज तीनों को मेरे को मिल जाएगा क्रेडिट, एक्साइज सर्विस टैक्स का सैंडविच क्रेडिट और वेट का वेट क्रेडिट, क्लियर। थर्ड इंडस्ट्री, इफ आई एम अ ट्रेडर, क्या करता हूं? ट्रेडिंग, गुड्स खरीद के बेचता हूं बेटा मैं, ट्रेडिंग भी क्या लगता है मालिक? ओनली वेट, एक्साइज नहीं लगता, वेट एक्साइज नहीं लगता सेल पर सर, अरे हाँ है ना, सर्विस टैक्स भी नहीं लगता सर, मेरी सेल पे क्या लगेगा? केवल, सिंस मेरी सेल पे केवल वेट लग रहा है, एक्साइज सर्विस टैक्स नहीं लग रहा, तो मुझे एक्साइज और सर्विस टैक्स का कोई सैंडविच क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर वेट का क्रेडिट मिल जाएगा, क्लियर। तो तीन इंडस्ट्री होती सर, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री, तीनों की वापस बात करता हूं मैं आपसे, ध्यान से समझना, क्लियर। समझ में आएगा कि जीएसटी क्यों आ रहा है। ओके सुनो बच्चे ध्यान से, अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मोटा मोटी तौर पर बात कर रहा हूं, मैं मान रहा हूं सारी गुड्स टैक्सेबल है सर, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैंने परचेज पे एक्साइज पे किया, सर्विस टैक्स पे किया या वेट पे किया, मेरे को सबका क्रेडिट मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर मैं एक ट्रेडर हूं बेटा, क्या करता हूं? ट्रेडिंग करता हूं, मेरे को एक्साइज और सर्विस टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, वेट का क्रेडिट मिल जाएगा मेरे को। तो सोचो, एक्साइज और वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स का जो क्रेडिट मेरे को नहीं मिल रहा है, वो क्या होगा? कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट मेड हो जाएगा सर। सोचो, इफ आई एम अ ट्रेडर, मेरा एक शोरूम है सर, मैं एसी बेचता हूं और एसी का मेरा शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का। अब सोचो, उस एसी के शोरूम में मैंने अपने लैपटॉप लाया, कंप्रेसर लाया, क्लियर। मैंने अपने शोरूम के लिए सर, होता है एसी मेरे शोरूम में काम आ रहा है खुद का, और ये नो सर, उन पे मैंने एक्साइज पे किया होगा, मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली होगी, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ली होगी, मार्केटिंग सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज ली होगी, उन पे क्या पे किया? सर्विस टैक्स। क्या मेरे को एक भी रुपए का क्रेडिट मिल रहा है क्या? क्या वो सर्विसेज मेरे पर्सनल यूज में काम आ रही है क्या? पर्सनल यूज में काम नहीं आ रही है, बिजनेस की काम आ रही, फिर भी क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। थर्ड बात करूंगा इसकी, सर्विस इंडस्ट्री, हम सब की बात कर रहा हूं मैं।
हम सब सर्विस इंडस्ट्री में है सर, और आप लोग आने वाले हो सर। सर सर्विस इंडस्ट्री में क्या था? सर्विस टैक्स, एक्साइज का क्रेडिट मिल जाएगा, सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा, पर वेट का क्रेडिट। अब सर मान लो हम सबका ऑफिस है सर, वी आर कंसल्टेंट्स, हमने अपने ऑफिस के लिए क्या परचेस किया होगा? एसी परचेस किया होगा, लैपटॉप परचेस किया होगा, प्रोजेक्टर परचेस किया होगा, कैमरा परचेस किया होगा, बहुत सारी गुड्स परचेस करी होगी। ये क्लासरूम देखो आप, यहां पे स्विच बोर्ड भी अगर आपको दिख रहा है, लाइट भी अगर आपको दिख रही है, एसी भी अगर आपको दिख रहा है, प्रोजेक्टर जो भी आपको दिख रहा है, माइक सिस्टम, इन सब पे एक्साइज पे क्या होगा हमने? क्लियर? इसका हमको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। हमने जो सर्विसेज ली होगी उसका क्या मिल जाएगा? सर्विस टैक्स का क्रेडिट। क्लियर? पर वेट पे क्या होगा? तो वेट पे क्या होगा? तो नहीं मिलेगा। एक्साइज पे क्या होगा? तो ओके, अगर एक्साइज का क्रेडिट चाहिए तो बिल पे क्या लिखा होना चाहिए? एक्साइज बिल पे, परचेज बिल पे अगर एक्साइज लिखा ही नहीं है, परचेज बिल पर अगर एक्साइज ही नहीं है तो क्या क्रेडिट मिलेगा? ओके, तो सर अगर मेरे को एक्साइज का क्रेडिट चाहिए तो आई शुड हैव द इनवॉइस ऑफ एक्साइज, और एक्साइज वाला बिल कौन लिख सकता है बेटा? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि एक्साइज लगता कब है? मैन्युफैक्चरर पे। और पहले कुछ डीलर्स भी इश्यू कर सकते थे, उसको इग्नोर करो आप। ओके, तो सर मतलब अगर मेरे को इन पांच एसीज का क्रेडिट चाहिए तो आई शुड बाय ऑल दीज एसीज फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर। ये लैपटॉप का क्रेडिट चाहिए मेरे को, तो आई शुड बाय दिस लैपटॉप फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। इज इट पॉसिबल? सोचो, ये एक प्रोजेक्टर लेने के लिए, ये 10 एसी लेने के लिए, दो कैमरा लेने के लिए, माइक सिस्टम लेने के लिए, लैपटॉप के लिए, क्या मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा? सोचो आप, दो लैपटॉप लेने के लिए मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा, फैक्ट्री गुड़गांव में, गुरुग्राम, मुंबई से गुरुग्राम जाऊंगा दो लैपटॉप लेने के लिए, क्यों? मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। पहली बात तो मैं वहां जाऊंगा नहीं, सेकंड मतलब अगर चला भी गया मेरे को भेजेगा नहीं, मैं बोलूंगा दो लैपटॉप, अरे दो ट्रक लैपटॉप पिक करो इसके, मैंने कहा दो ट्रक नहीं, दो बाहर निकल चल। मैन्युफैक्चरर अगर ये काम करने लगे तो मैन्युफैक्चरर कब करेगा सर? अरे हाँ है ना, तो प्रैक्टिकली बात करें, प्रैक्टिकली मोटा मोटी तो बात करें अगर हम, तो सर सर्विस प्रोवाइडर को एज पर लो एक्साइज का क्रेडिट मिलता है, तो प्रैक्टिकली क्या उसके पास एक्साइज के इन्वेस्ट होते क्या? तो क्रेडिट बिल पे क्या लिखा होगा? वैट, क्योंकि कहां से परचेस किया होगा? शोरूम से परचेस किया होगा, डीलर से परचेस किया होगा, उसने क्या लगाया होगा? वैट। उसका क्रेडिट मिलता नहीं, जो बिल पे लिखा है उसका क्रेडिट मिलता नहीं, और जिसका मिलता है वो बिल पे लिखा नहीं, मतलब जो चाहिए वो है नहीं, जो है वो चाहिए नहीं। डोंट लिंक विद लाइफ। पर सर तो सर ये जिंदगी थी पहले जीएसटी आने से पहले सर, तो सर अभी भी ऐसी है, पर हाँ सर, तो सर पॉइंट मेरा आपसे ये बात करें, सोचो आप हिंदुस्तान में हर शोरूम वाला, हर ट्रेडर, हर सर्विस प्रोवाइडर कितना क्रेडिट लॉस कर रहा था। और इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर की भी मैं बात कर लूं अगर आपसे, मैन्युफैक्चरर को एक्साइज क्रेडिट मिलता है, पर मैन्युफैक्चरर ने अपनी फैक्ट्री के लिए ऐसी परचेज किया, तो वो कौन सा मैन्युफैक्चरर से परचेज किया होगा उसने यार? आप समझे मेरी बात? तो दिस वर द इल इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन द अर्ली रिजिम व्हेन एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड वेट वर देयर। समझा मेरी बात? तो क्या होता था बेटा कि प्रॉपरली क्रेडिट चेन नहीं बन पा रही थी, प्रॉपर क्रेडिट चेन नहीं बन पा रही थी। इनफैक्ट जब पहले वेट हुआ करता था तो इंटर स्टेट सेल पे सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्लियर? और सीएसटी अगेन, सीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था पहले, तो देर वॉज सम लूप होल्स जिसकी वजह से क्रेडिट मिलना चाहिए वहां भी नहीं मिल रहा था। क्लियर? इसलिए देर वॉज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ टैक्स, अ सिस्टम जो इन सब क्रेडिट्स को फ्लो कर दे। तो सर दिमाग में मत आई क्या, एक काम करते इन सब टैक्सेस को मर्ज कर देते और सिंगल टैक्स, नाम क्या होगा? भले गुड्स हो या सर्विसेज हो, सारे टैक्सेस मर्ज कर दो, नाम क्या होगा सर? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? जीएसटी इसको हम बोलते हैं। क्लियर? और ये आइडिया है दिमाग में, और सर गवर्नमेंट ने सोचा इन सबको सर मर्ज करके सिंगल टैक्स, वन नेशन वन टैक्स।
ओके, जैसे ये बात करी जीएसटी लाइक, अब बात समझो धीरे से, आ गया जीएसटी मुझे बताएं, पर कैसे आया वो समझो आप। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने सोचा हम लाएंगे क्या जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके सर, वेट किसकी रेवेन्यू मर्ज हो जाएगा सर इसमें, वेट सीएसटी एक्साइज क्लियर, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे कई सारे टैक्सेस मर्ज हो गए, लग्जरी टैक्स क्लियर। तो सर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस अगर मर्ज हो जाएंगे नाम आई होगा क्या जीएसटी, परचेस पे टैक्स पे करेंगे कौन सा जीएसटी, सेल पे टैक्स पे करेंगे कौन सा, मैन्युफैक्चरर होगा तो भी क्या इश्यू करेगा बिल पे जीएसटी, ट्रेडर होगा तो भी बिल पे क्या लिखेगा, सर्विस प्रोवाइडर भी क्या लिखेगा, परचेस पे जीएसटी, सेल पे जीएसटी, जीएसटी क्रेडिट जीएसटी के लिए मिल जाएगा, स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी हो जाएगा सर, हाँ है ना, क्लियर, दिस वॉज द ड्रीम। अब सर ये सपना देखते हुए इन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। अब जैसे ही इंप्लीमेंट करेंगे सबसे पहली बात जीएसटी रेवेन्यू किसका होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंडिया सर ड्यूअल इकोनॉमी बेस्ड का और गवर्नमेंट है सर ने, ड्यूअल टैक्सेशन सिस्टम है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल भी है, स्टेट को भी पैसा चाहिए और सेंट्रल को भी पैसा चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों के काम डिवाइड किए हुए हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का काम ये होगा, स्टेट गवर्नमेंट का काम ये होगा, और काम करने के लिए क्या चाहिए वरना मोटिवेशन नहीं मतलब सर ओके तो सर पॉइंट ये कि रेवेन्यू कहां से आएगा। अब अगर टैक्सेस मर्ज होएंगे सिंगल टैक्स में तो रेवेन्यू किसका होगा, झगड़ा हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट का होगा, किसका होगा सर, इसलिए डिसीजन आया मिल बांट के खाएंगे, क्लियर, आधा तेरा आधा मेरा, क्लियर। इसलिए सर दो टैक्स लाए, कौन कौन से, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी किसका रेवेन्यू होगा, एसजीएसटी किसका रेवेन्यू होगा, स्टेट गवर्नमेंट का, क्लियर, ओके सर। तो सीजीएसटी एक्ट कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी एक्ट कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर ही बनाएगा। अगर सेंटर अगर एसजीएसटी एक्ट बनाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट तो पपेट है केवल, तुम बोलो हम मान रहे, पावर खत्म हो गया ना सर, ये बात चली थी पहले कि एक्ट कौन बनाएगा, अगर एक्ट बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे तो स्टेट का पावर खत्म हो गया, आप समझना मेरी बात को सर, स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर लूज करेगी सर, कभी नहीं। जो वेट लॉ बनाने का पावर था स्टेट गवर्नमेंट का, वो अपना पावर क्यों लूज करे, वो क्या बोले नई चीज जीएसटी जान दो जो चल रहा चलने दो, हाँ है ना, क्लियर। तो बताओ आप एक्ट कौन बनाएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी तो सर जितनी स्टेट गवर्नमेंट है वो उतने एक्ट बन जाएंगे, और सीजीएसटी कौन बनाएगा। अब सीजीएसटी का सेंट्रल गवर्नमेंट बना दे, एसजीएसटी का सारे स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग बना दे, तो एक्साइज और वेट ठीक था ना, तो यार क्लियर, समझा आप मेरी बात। तो यार अब बात आती है सर, ऐसा हमको आइडिया तो है थोड़ा बहुत कि सारे एक्ट सेम है सर, सर जितना सीजीएसटी लगता है उतना एसजीएसटी लगता है, कैसे लगता है। अब आपने बोल दिया सर हर स्टेट गवर्नमेंट अपना एक्ट बनाएगी तो एक्ट फिर कैसे एक होंगे, इसलिए सर जब जीएसटी आया तो ये डिसीजन हुआ था कि एक्ट तो सेम रखना है, अब कैसे रखना उसकी बात कर लेते हैं हम, समझा मेरी बात, क्लियर। इसलिए सर एक्ट बनाने का पावर अगर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को दे वो भी सही नहीं, स्टेट को दे दे तुम्हारी मर्जी वो कर लेना, खत्म खेल, अरे समझे मेरी बात। इसलिए एक्ट जो बनेगा अगर सेम बनना है जो सीजीएसटी एक्ट में लिखा है, एब्सोल्युटली वही कहा लिखा होगा एसजीएसटी एक्ट में लिखा होगा, तो सर एक्ट दोनों मिलके बनाएंगे बेटा। इसलिए दोनों को मिलके बनाने के लिए इन्होंने एक बॉडी बना दी जिसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल, जिसको क्या बोलते हैं मालिक, जीएसटी काउंसिल। ये कॉन्स्टिट्यूट करी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और जीएसटी काउंसिल पता है क्या है सर, ये सेट ऑफ मेंबर्स है, इसमें इसका चेयरमैन होता है कौन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो इसके चेयरमैन होते हैं, और इस काउंसिल में हर स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं सर, समझिएगा वापस बात को, मतलब जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे भी है और सारी स्टेट गवर्नमेंट के बंदे भी है सर,
हूं नहीं कर रहे थे। हाँ ठीक है चलो ओके सर। जीएसटी अब हूं नहीं करते, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ चल रहा है, और क्या चल रहा है आपको समझ ही नहीं आ रहा है। सुनो ध्यान से ओके। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल किसकी है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सर। मतलब इसके अंदर सारे मेंबर्स जो है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट और सारे स्टेट गवर्नमेंट के मिला के है सब। क्लियर? अब पता है क्या होगा सर, जीएसटी काउंसिल ने क्या किया, एक्ट बनाया। पर एक्ट काउंसिल बना नहीं सकती सर, वो तो काउंसिल है। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो बनाएगी सब। तो इसलिए एक्ट में लिखा कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी, उसके बेस पे एक्ट में चेंजेस होंगे, उसके बेस पे एक्ट में अमेंडमेंट होंगे और उसके बेस पे एक्ट बनाया गया है। तो सर अब सुनना ध्यान से, काउंसिल ने क्या किया, एक कॉमन एक्ट बनाया और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। वही किसको दिया? स्टेट गवर्नमेंट को। अब काउंसिल क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की है क्या? क्या केवल स्टेट गवर्नमेंट की है क्या? मतलब सब लोग म्यूचुअली डिसाइड करके फिर एक्ट बनाएंगे, उस तरह से एक्ट बनाया ये। क्लियर? तो सीजीएसटी एक्ट भी बन गया और एसजीएसटी। अब पता है कितने स्टेट अपने देश में? 29, यूनियन टेरिटरीज 7। वाह सर, 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट से तो 31 अक्टूबर को सर इंप्लीमेंट भी हो गया है। कश्मीर हमारा है सर, जम्मू एंड कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, नो डाउट। एक्ट की बात करें अगर हम तो आर्टिकल 370 डिलीट सर, तो 28 स्टेट गवर्नमेंट हो गई और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई सर। तो अब पॉइंट यह था, ठीक है जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी वो छोड़ो अभी आप, मेरा पॉइंट यह है कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना एक्ट अलग बनाएगी मालिक, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्ट अलग बनाएगी मालिक। अब दोनों एक्ट अगर अलग अलग हो गए तो जीएसटी पर्पज खत्म हो गया सर। इसलिए जीएसटी काउंसिल ने क्या किया, कॉमन एक्ट बनाया और वो ही सेक्शन किसके, सीजीएसटी के है जो किसमें, स्टेट गवर्नमेंट। और हर एसजीएसटी एक्ट का एक एक सेक्शन सेम है सर, इनफेक्ट सब सेक्शन क्लोज प्रोवाइज सब सेम। क्लियर? समझे मेरी बात? प्लस एक्ट को चेंज कौन करता मालिक? आवाज यार ओए, पार्लियामेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट का अगर एक्ट है तो कौन चेंज करेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सर। अरे हाँ है ना। अब सर लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर कुछ चेंज कर दिया, मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बीजेपी, बहुत मजे ली तुमने हमारे दो साहब, उन्होंने पेन पे रेट ऑफ जीएसटी जो था वो जीरो कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने एसजीएसटी एक्ट में अगर कुछ चेंज कर दिया तो किसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एसजीएसटी और सीजीएसटी शुड बी सेम। अगर दोनों सेम होंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई चेंज कर दिया तो वो किसको करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल ने जैसे चेंज किया सारे स्टेट को चेंज, पूरे हिंदुस्तान में चेंज। सेम डे नोटिफिकेशन दो, सारे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देंगे, अगले दिन बोलते नहीं 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 वापस लगा दो टैक्स, खत्म खेल। आप समझे मेरी बात? इसलिए अमेंडमेंट करने का पावर भी न सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया न स्टेट को दिया, और वहां पे कंडीशन लगा दी कि आप अमेंडमेंट कर पाएंगे बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। मतलब जीएसटी काउंसिल आपको रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद आप चेंज कर पाएंगे। और वो काउंसिल कौन है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सारे मेंबर है उसके अंदर सर, और सब जब एक साथ एग्री करेंगे तो सब जगह एक साथ नोटिफिकेशन इश्यू हो जाएगा सर। समझे मेरी बात? इसलिए न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर सर, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट और नहीं स्टेट गवर्नमेंट, किसको भी एक्सक्लूसिव पावर नहीं दिया कि आप चेंज कर पाएंगे बेटा। हाँ है ना, समझे मेरी बात? तो इसलिए आपने देखा होगा एवरी मंथ काउंसिल की मीटिंग होती है। क्लियर? काउंसिल ने अपनी मीटिंग में ये डिसीजन लिया, आपने देखा होगा सर व्हाट्सएप पे न्यूज पे कई बार आता है सर। अरे हाँ है ना, वो काउंसिल कितनी इंपॉर्टेंट समझ में आया आपको भी है? क्लियर? उसके बिना अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा सर। जैसा अभी हमने बात करी कि गवर्नमेंट के पास पावर की, वो चाहे तो किसी भी गुड्स को एग्जम्प्ट कर सकता है कस्टम एक्ट में, पर ऐसा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, ऐसा पावर सीजीएसटी एक्ट में भी दिया है, पर वहां क्या लिखा है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो सर जितने भी डेलीगेटेड पावर है जहां गवर्नमेंट चेंज कर सकता है, जितने भी डेलीगेटेड पावर है हर जगह क्या लिखा है? गवर्नमेंट हैज पावर बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी। समझे मेरी बात बच्चों आप?
क्लियर। तो पूरे जीएसटी एक्ट में भले वो सी जीएसटी एक्ट हो या एस जीएसटी एक्ट हो, क्या लिखा है? आप चेंज तो कर सकते हो बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी। क्लियर पिक्चर आपको? ये पक्का पक्का डन। ओके तो सर इसके इसकी वजह से सारे सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट कॉपी पेस्ट, एकदम सेम, एकदम एकदम सेम, पर्टिकुलरली बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट। क्लियर? ओके, मतलब अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो सारे एसजीएसटी एक्ट आपको आते हैं सर। इसे तो बोला है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। वन मार्केट क्यों? क्योंकि क्या स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग रेट ऑफ टैक्स चेंज कर सकती है क्या? वेट में पहले चेंज होता था सर, अरे हाँ है ना, तो वन मार्केट नहीं होता था। सेकंड एक और रीजन है जो हम बात करने वाले अब नेक्स्ट। अभी वन मार्केट मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, वन नेशन वन टैक्स समझ में आया बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही हो माहौल सरकार? तो चलो यार मुझे बताओ, कोई गुड्स, चलो ये गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर किया महाराष्ट्र में, मेरी फैक्ट्री का है अंधेरी महाराष्ट्र। क्लियर? ये रही अपनी, ओके जेके शाह क्लासेस। ओके तो सर अब नेक्स्ट एक महीने यही फैक्ट्री चलेगी सर अपनी। अब पॉइंट ये है सर, ये पेन मैंने बनाया, ये मार्कर मैंने मैन्युफैक्चर किया मान लो महाराष्ट्र में, ये मार्कर मैंने आपको सेल कर दिया, आप भी महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। अब पॉइंट ये है जो मैंने मार्कर आपको सेल किया है उस पर क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लो वन लेक इज अ टैक्स 50,000 क्या होगा? सीजीएसटी 50,000, एसजीएसटी 50,000 किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और रेस्ट 50,000 स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट बेटा? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट सर। पक्का? ओके डन सर। तो 50,000 मैंने वन लेक टैक्स लिया, 50,000 सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया, 50,000 स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दिया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को। अब आपने क्या किया? ये मार्कर आगे बेचा, बेचो। ओके सर, आपने जब मार्कर आगे सेल किया, से 2 lakh वॉज द टैक्स, 2 lakh वॉज द टैक्स जो आपने इनसे चार्ज किया। 1 lakh क्या होगा? सीजीएसटी। 1 lakh क्या होगा? एसजीएसटी। अब आपने इनसे 1 lakh एसजीएसटी और 1 lakh सीजीएसटी कलेक्ट किया, अब आपको गवर्नमेंट को पे करना है। कैसे पे करोगे? 50,000 गवर्नमेंट को पे किया था सीजीएसटी, 50,000 एसजीएसटी सर याद आएगा परचेस पे। तो सीजीएसटी क्रेडिट किसके लिए मिलेगा? सीजीएसटी के लिए। क्या वो एस में काम आएगा क्या? ओके, एसजीएसटी क्रेडिट किसमें काम आएगा? एसजीएसटी। क्या वो सी में काम आएगा क्या? क्यों नहीं, अलग अलग गवर्नमेंट है, जिसको क्रेडिट दिया, जिसको टैक्स दिया वही क्रेडिट देगा सर अपने को। ओके तो आपने क्या किया, 50,000 का सीजीएसटी क्रेडिट, सीजीएसटी की लायबिलिटी 1 lakh का जो था उसको पे करने में यूज कर लिया सर। क्लियर? व्हाट्सएप बंद, व्हाट्सएप लास्ट में, हाँ ध्यान इधर सर, नजर सब रखता हूं मैं सर, बोलता कम हूं पर ध्यान सब रखता हूं, कौन किससे बात कर रहा है, कौन कहां देख रहा है, सब ध्यान रहता है मेरे को, समझे वैभव? क्लियर? बोलू किसको देख रहा था तू? ओके सर पॉइंट, ओके सर पॉइंट मेरा आपसे ये है, इधर ध्यान, ओके ओके सर इधर ध्यान, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सरकार इन केस आपने जब 1 lakh रुपी सीजीएसटी और 1 lakh रुपी एसजीएसटी बिल पे चार्ज किया सेल पर, परचेस पे 50,000 सीजीएसटी था 50,000 एसजीएसटी था, तो 50-50 ईच आपने सीजीएसटी का सीजीएसटी क्रेडिट लिया होगा और 50,000 एसजीएसटी एसजीएसटी में आईटीसी लिया होगा, रिमेनिंग 50-50 आपने पे कर दिया होगा सीजीएसटी को 50,000 और सीजीएसटी को और एसजीएसटी को 50,000 महाराष्ट्र गवर्नमेंट को साहब, हाँ है ना? ओके अब फंड्स का है सर, गुड्स आपके पास है और टैक्स किसके पास पहुंच गया सर? कौन सी गवर्नमेंट जल्दी बताओ? 1 lakh सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 lakh स्टेट गवर्नमेंट। पक्का? ओके आपने क्या किया, महाराष्ट्र से इस गुड्स को गुजरात में बेच दिया, महाराष्ट्र से गुजरात में गया गुड्स, इंटरस्टेट सेल हुआ, किसको मिलेगा रेवेन्यू? चलो 50%, चलो 2 lakh वॉज द टैक्स, क्लियर? 3 lakh वॉज द टैक्स मान लो, 3 lakh वॉज द टैक्स, 2 lakh परचेज पे किया आपने, 3 lakh इज द टैक्स ऑन सेल, 1.5 किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1.5 नेक्स्ट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? गुजरात को, गुजरात को। अच्छा महाराष्ट्र को झगड़ा होगा ना सर? अच्छा ना गुजरात को ना महाराष्ट्र को, दे दो सेंट्रल गोल्डर, तुम झगड़ा मत करो, हमको दे दो ऐसा,
मतलब दोनों के झगड़े मजे कौन लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं नहीं इसलिए देखो ये एक्ट बन रहा है अभी, अभी जीएसटी एक्ट बना नहीं है, बन रहा है, इसको समझो आप। एक्ट कैसे बनाओ समझ में आया ना अगर आपको, फिर जब पढ़ेंगे तब देखो आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अपना। अब मेरा पॉइंट ये है आपसे, डिस्प्यूट हो जाएगा सर, तो ये बात हुई पार्लियामेंट के अंदर कि साहब ये रेवेन्यू किसको देंगे, क्लियर। तो दे अमाउंट विद अ सॉल्यूशन की एक काम करो, न सेंट्रल गवर्नमेंट को दो न स्टेट को दो, एक काम करो इसको लगा दो किसमें, आईजीएसटी फंड्स में, एक नया टैक्स लेके आ गया, कौन सा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, क्लियर, जिसको आईजीएसटी हम बोलते हैं, क्लियर। तो सर इंटर स्टेट सेल भी क्या लगेगा, आईजीएसटी, कितना, 3 लाख, ओके 3 लाख किसका रेवेन्यू है, सेंट्रल का सर। तो अभी ये आईजीएसटी रेवेन्यू किसी का भी नहीं है, हाँ ठीक है, कलेक्ट कर लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बार फंड मैनेज कर लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, पर सर ये रेवेन्यू किसी का भी नहीं है, क्लियर। तो 3 लाख आपने क्या ले लिया बेटा, आईजीएसटी, ओके। अब आपने सेल पर 3 लाख रुपए आईजीएसटी कलेक्ट किया, परचेस भी क्या पे किया था मालिक, 1 लाख सीजीएसटी, 1 लाख एसजीएसटी, क्या वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, दिल क्या कहता है आपका, नहीं काम आया तो नॉनसेंस, वरना मतलब क्या था जीएसटी लाने का यार, समझे, वन नेशन वन टैक्स तो ही नहीं पता फिर। इसलिए साहब इन्होंने क्या किया, अलाउ किया कि इंटरस्टेट सेल पे जो आईजीएसटी लग रहा है वो आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है या एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है, यू कैन यूटिलाइज दैट क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लाइबिलिटी, सब क्लियर। तो आपने 1 लाख रुपए सीजीएसटी आईटीसी काम लिया किसके लिए, आईजीएसटी के लिए, 1 लाख एसजीएसटी काम लिया किसके लिए, आईजीएसटी के लिए, रिमेनिंग कितना बच गया बेटा, 1 लाख, 1 लाख आपने आईजीएसटी पे कर दिया, हाँ है ना। अब सर इधर ध्यान, अब बताओ आईजीएसटी अकाउंट में पेमेंट कितना गया, 1 लाख तो पे किया, टैक्स था कितना, अब बोल रहे हो 3 लाख लगा, और फंड्स आया कितना, तो पता है आईजीएसटी पे करने के लिए आपने 1 लाख रुपए कौन सा क्रेडिट लिया है, सीजीएसटी। तो सीजीएसटी के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालेंगे और कहां डालेंगे, आईजीएसटी अकाउंट में। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी में कितना पेमेंट था, 1 लाख, जिसका क्रेडिट लिया किसके लिए, आईजीएसटी के लिए। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे क्या, 1 लाख दो भाई साहब, और 1 लाख वहां से निकाल के काटा देंगे आईजीएसटी अकाउंट में। अब मुझे बताओ आईजीएसटी अकाउंट में फंड कितना पड़ा है, 3 लाख, सीजीएसटी अकाउंट में कितना है, 0, एसजीएसटी में, गुड्स कहां पहुंच गई, गुजरात, रेवेन्यू कहां पड़ा है, आईजीएसटी अकाउंट में, गुड्स कहां है, गुजरात से आपने सेल किया राजस्थान। अगेन क्या है ये, इंटरस्टेट सेल, क्या लगेगा, आईजीएसटी, से 4 लाख इज अ टैक्स, तो 4 लाख आईजीएसटी का लायबिलिटी है, 3 लाख का आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी पड़ा है, क्या करेंगे आप, 3 लाख का क्रेडिट यूज करेंगे, बैलेंस 1 लाख और पे कर देंगे आप गवर्नमेंट को, क्लियर। तो आईजीएसटी अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है सर, 4 लाख, कहां पड़ा है, आईजीएसटी, गुड्स कहां पहुंच गया, ओके सर आपने क्या किया, राजस्थान से, राजस्थान में सेल किया, तो राजस्थान से, राजस्थान में जब सेल किया तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और राजस्थान एसजीएसटी बेटा, अरे हाँ है ना, से 5 लाख इज द टैक्स, तो 2.5 लाख क्या हो गया, सीजीएसटी, 2.5 लाख एसजीएसटी। अच्छा आपकी सेल पे 5 लाख का टैक्स लगा, 2.5 लाख सीजीएसटी, 2.5 लाख राजस्थान एसजीएसटी, और 4 लाख का आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी सर, क्या वो 4 लाख का क्रेडिट सी और एस में काम आएगा, अच्छा सी एस और आई ठीक है चलेगा ना आपको, क्या वो 4 लाख का आई का क्रेडिट सी और एस में काम आएगा, आएगा, अगर काम नहीं आए तो कोई मतलब ही नहीं सर, फिर कोई इंटरेस्टेड परचेज नहीं करेगा सर, इसलिए क्रेडिट अलाउ कर दिया। देख सी और एस जो है ना बेटा वो आपस में काम नहीं आते, क्यों नहीं आते, क्योंकि गवर्नमेंट ही अलग है साहब, आईजीएसटी एक पार्किंग फंड टाइप में है सर, ये मतलब इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन को मूव करने के लिए एक अलग से फंड बना दिया, सो देट रेवेन्यू में झगड़ा नहीं हो, समझे मेरी बात भाई। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजरात गवर्नमेंट अगर पैसा मांगे ना तो महाराष्ट्र मना कर दे, तो चल कौन है भाई मेरे पैसे देखो कि दू, तो आईजीएसटी फंड बना दे क्या, स्मूथ फ्लो हो जाएगा, समझा मेरी बात, ओके। तो सर ये एक पार्किंग फंड है और कुछ नहीं है, बताऊंगा कैसे पार्किंग फंड हुआ ये। अब साहब 5 लाख का आपका लायबिलिटी है, 2.5 लाख सीजीएसटी, 2.5 लाख एसजीएसटी, और 4 लाख का आईटीसी किसका है, आईजीएसटी का। अब आप आईजीएसटी को सी में भी काम ले सकते हो और एस में भी काम ले सकते हो, पहले सी में लेना है, पहले एस में लेना है, पूरा लेना है, लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सब,
क्लियर। मान लो मैंने 2.5 लाख किसमें काम ले लिया, सीजीएसटी में। रिमेनिंग कितना क्रेडिट बच गया, 1.5 लाख किसमें काम लिया मैंने, एसजीएसटी में। अब 2.5 लाख एसजीएसटी का लाइबिलिटी था, 1.5 लाख का मैंने आईजीएसटी क्रेडिट यूज कर लिया, बैलेंस कितना बच गया बेटा, 1 लाख क्या पे कर दिया एसजीएसटी, किसको, राजस्थान गवर्नमेंट को साहब, हाँ है ना। ओके, अब आपने 4 लाख में से 2.5 लाख का आईजीएसटी आईटीसी किसके लिए काम लिया, तो आईजीएसटी अकाउंट से फंड निकालने का डालेंगे सीजीएसटी अकाउंट में, क्लियर। और 1.5 लाख जो आईजीएसटी आईटीसी काम आया किसके लिए, एसजीएसटी के लिए, उसके लिए क्या क्या करेंगे हम, 1.5 लाख आईजीएसटी अकाउंट से निकाल के काट देंगे राजस्थान एसजीएसटी अकाउंट में, और 1 लाख रुपया आपने राजस्थान एसजीएसटी पे कर दिया वैसे भी आपने। अब बताओ रेवेन्यू कहां पहुंच गया अल्टीमेटली, आईजीएसटी कितना है, 0, क्लियर। सी में कितना है, 2.5, एस में कितना है, कौन से एस में, राजस्थान स्टेट में, क्लियर। समझे मेरी बात बच्चों, और मान लो आप एंड कंज्यूमर, खत्म, क्लियर, पिक्चर खत्म। अब मुझे बताओ अल्टीमेट रेवेन्यू किसको मिला, अच्छा 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना ही था, 50% रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना था, मिल गया, रिमेनिंग 50% किसको मिला, महाराष्ट्र को, गुजरात को, किसको, गुड्स बना कहां, गुजरा कहां से, पहुंचा कहां, कंज्यूम कहां हुआ, अल्टीमेट डेस्टिनी क्या थी, रेवेन्यू किसको मिला, इसलिए इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो सरकार अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को रेवेन्यू मिला या कंज्यूमर स्टेट को मिला है, दिस इज हाउ रेवेन्यू इज फ्लो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इन केस ऑफ जीएसटी इनफैक्ट। समझे आप मेरी बात, रेवेन्यू किसको मिला बेटा, आवाज नहीं आ रही है, देख 50% सीजीएसटी मिलना था वो मिल गया, रिमेनिंग 50 किसको मिला सर। अब यार जैसे ही जीएसटी प्रपोजल आया गवर्नमेंट के सामने, जितने भी कंज्यूमर बेस्ड स्टेट थे मजा आ गया उनको, तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट थे उनको नुकसान हो गया सर, लॉस हो गया। कैसे, जब पहले वेट लो हुआ करते थे तो जब इंटर स्टेट सेल होता था तो सीएसटी लगता था, और सीएसटी का क्रेडिट बायर को नहीं मिलता था, तो जिस स्टेट गवर्नमेंट ने वेट लगाया था उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रह जाता था सर, क्लियर। इंटरस्टेट सेल होने पे उनको रेवेन्यू लॉस नहीं होता था मालिक, अरे हाँ है ना। तो जब वेट लो था, जब वेट हुआ करता था, तो वेट का रेवेन्यू किसको मिलता था मालिक, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को। अरे वेट का रेवेन्यू किसको मिलता था मालिक, कंज्यूमर स्टेट को कम रेवेन्यू था और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को ज्यादा रेवेन्यू था। पर वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, किस्मत बदल गई। और सर जैसे ही जीएसटी आया रेवेन्यू कहां मिलने लग गया, मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर स्टेट को, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लॉस में आ गए, तो वो बोलते हैं क्या नहीं चाहिए जीएसटी हमको, तो हम तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे जीएसटी। आप मुझे बताओ अपना लॉस को एक्सेप्ट करेगा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे वो क्या बोलते हैं, देश की भलाई के लिए हम अपना रेवेन्यू क्यों लॉस करें। अच्छा उनकी बात सही भी है एक तरह से, अब उन्होंने जो फंड मैनेजमेंट किया होगा उनके अकॉर्डिंग क्या होगा मलिक, अरे हाँ है ना, क्लियर, उनकी प्लानिंग खत्म हो जाएगी सारी, बात सही भी उनकी यार। अब मेरा पॉइंट आपसे यह है कि जैसे ही जीएसटी प्रपोजल आया सारी स्टेट गवर्नमेंट के सामने, सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट नाराज हो गए सर, क्लियर। अब नाराज हो गए तो मानेंगे नहीं वो, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको बोला चिंता मत करो, तुमको जितना लॉस होगा उतना हम कॉम्पनसेट करेंगे, क्या करेंगे, और एक और टैक्स लगा दिया जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ये खाते ना आप टॉबिक को, पान मसाला, गुटखा, बीड़ी वगैरह, क्लियर, सिगरेट इन पे वो विमल क्या नाम है उसका, दाने दाने में ये देखो केसर का सर देखो, मतलब ऐसे ऐसे लोग है बेटा केसर समझ के दूध मिला देते उसको। तो सर पॉइंट ये इधर सर इधर, तो सर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट थे उनको लॉस हो गया सर, लॉस हो गया तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, तुम चिंता मत करो तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे, तुम्हारी जितनी रेवेन्यू लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। और एक और एक्ट बना दिया, नाम क्या था, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, और कुछ सेलेक्टेड गुड्स, मोटर व्हीकल्स,
पान मसाला गुटखा टोबैको सिगरेट्स देखा होगा आपने तो खैर तो सर इन स्पेसिफिक गुड्स पे क्या लगा दिया ये जीएसटी कंपनसेशन सेस लगा दिया सर क्लियर तो दिस इज एक और एक्ट बन गया और इस एक्ट में लिखा है चलो मैं ये वैसे एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं आता पर एक आइडिया देता हूं आपको क्योंकि जीएसटी का पूरा आइडिया आपको होना चाहिए डेफिनेटली तो क्या किया इसमें बताए 2016 मतलब फाइनेंशियल ईयर 16-17 का इन्होंने क्या किया साहब रेवेन्यू ले लिया वेट का 15-16 का लिया सर ओके अब क्या किया इन्होंने इन्होंने बोला कि तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट का जो वेट का रेवेन्यू था उसको हम बेस ईयर ले लेंगे अब उससे कंपेयर करेंगे कि जीएसटी आने के बाद आपका रेवेन्यू कितना हुआ और वेट में कितना रेवेन्यू था अगर कम होगा जीएसटी रेवेन्यू तो उतना हम आपको क्या कर देंगे कंपनसेट ऐसा हर स्टेट गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने बोला तो स्टेट ने बोला भाई इंक्रीमेंट कहां से आएगा इंक्रीमेंट भी तो चाहिए हम सबको तो गवर्नमेंट ने 14% का इंक्रीमेंटल फैक्टर लगा दिया से 100 रुपए का रेवेन्यू था वेट का तो एवरी ईयर 14% मल्टीप्लाई करेंगे क्लियर 1.14 से मल्टीप्लाई कर दिया इतना रेवेन्यू आ गया स्टेट का इस साल का फिर नेक्स्ट ईयर ये जो रेवेन्यू था उसको 14% और इंक्रीमेंट करके बढ़ा देंगे और उसको कंपेयर करेंगे किससे उस स्टेट की जो साल भर की जीएसटी की रेवेन्यू होगी उससे एसजीएसटी रेवेन्यू क्लियर और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे अगर ज्यादा आ गया जीएसटी तो कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं ले लेंगे नहीं क्लियर ज्यादा आ गया ठीक है सर पर अगर कम आया तो उसको क्या करेंगे कंपनसेट तो जो लोग सिगरेट पीते हैं टॉपिक को खाते हैं वो लोग उन स्टेट की मदद कर रहे हैं जो जिनको लॉस हो रहा है जीएसटी में क्लियर सर जस्ट बी कॉन्फिडेंट डोंट वरी आप अपनी जान दाव पे लगा के इन स्टेट गवर्नमेंट की मदद कर रहे हो सर तो सर तो सर दिस इज हाउ दे कंपनसेट दोज स्टेट्स जिनको रेवेन्यू लॉस होगा सर हाँ है ना ओके अब बात करता हूं सर तो कितने एक्ट बन गए सुनो ध्यान से वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट सिंस पूरे इंडिया में जितने भी टैक्स लगेंगे भले सी लगे एस लगे या आई लगे क्रेडिट मिलने वाला बेटा आपको दूसरे स्टेट से परचेस करो या हमारे स्टेट से परचेस करो क्रेडिट मिलने वाला बेटा पहले क्या था दूसरे स्टेट से परचेस किया तो सीएसटी लग के आएगा क्रेडिट इसलिए वन मार्केट टैक्स रेट भी सेम रहेगी पूरे इंडिया में और दूसरे स्टेट से परचेस करो या हमारे स्टेट से परचेस करो रेट ऑफ टैक्स विल बी सेम समझे मेरी बात प्लस आईजीएसटी और सीओ या एसओ सबका हमको क्रेडिट मिलने वाला है इसलिए वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट समझे मेरी बात पहले वन मार्केट नहीं हुआ करता था आज मान लो एसी का प्राइस यहां पे कुछ और है महाराष्ट्र में क्लियर गुजरात में कुछ और होता था कारण वेट ग्रेड अलग थी सर समझे मेरी बात अब हर पूरे इंडिया में एक ग्रेड होगी सर प्लस इंटरस्टेट परचेस करने में क्रेडिट मिलने वाला आपको इसलिए वन मार्केट हो जाएगा ये ओके वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट ओके तो सर इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक्ट कितने बन गए एक सीजीएसटी एक्ट अभी एसजीएसटी की बात करते दो मिनट को एक सीजीएसटी एक्ट एक आईजीएसटी एक्ट एक जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट क्लियर अब सर एसजीएसटी की बात करता हूं आपसे सरकार अभी फिलहाल कितने स्टेट्स है 28 28 एसजीएसटी एक्ट हूं करो रहे भले ही सेम एक्ट है पर हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना एक्ट अलग बना है महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट अलग है राजस्थान जीएसटी एक्ट अलग है गुजरात जीएसटी एक्ट अलग है सर ओके तो 28 प्लस यूनियन टेरिटरीज कितनी है मालिक 9 कश्मीर जो डिसीजन हुआ उसके बाद 9 यूनियन टेरिटरीज होगी मालिक पर अब 9 यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो उनके लिए एक्ट यूटी जीएसटी एक्ट बना क्या बनाया सर पर इनमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिनका खुद का लेजिस्लेशन है दिल्ली क्लियर पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर इनका खुद का लेजिस्लेशन है आपने देखा होगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी है ना बेटा तो वहां का खुद का अपना लेजिस्लेशन है तो सर दीज आर यूनियन टेरिटरीज विथ देयर ओन लेजिस्लेशन कौन कौन सी दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर तो इन तीनों का एसजीएसटी एक्ट अलग अलग है रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज क्लियर यूनियन टेरिटरी वाइज तो कितने हो गए बेटा ये जैसे दिल्ली एसजीएसटी अलग है पुडुचेरी एसजीएसटी अलग है जम्मू एंड कश्मीर एसजीएसटी अलग है सर क्लियर तो 28 एसजीएसटी एक्ट 3 ये और हो गए 31 और एक यूटीजीएसटी एक्ट जो बची हुई यूनियन टेरिटरीज उनके लिए एक यूटीजीएसटी एक्ट सिंगल क्लियर अच्छा एक्ट सारे सेम है कोई डिफरेंस नहीं है ओके अब कितने एक्ट बन गए बताना मुझे वापस है
वन सीजीएसटी एक, आईजीएसटी एक, यूटी जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट क्लियर, यूटी जीएसटी एक्ट और 31 एसजीएसटी एक्ट, कितने होंगे मालिक 35, वन नेशन वन टैक्स 35 एक्ट है सर जीएसटी को गवर्न करने के लिए, समझे मेरी बात। पर हां आपने अगर सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो बाकी के 31 एसजीएसटी एक्ट अपने आप आ जाएंगे सर आपको। आईजीएसटी एक्ट हम पढ़ेंगे, आईजीएसटी एक्ट में केवल 25 सेक्शन ही है सर, उसमें भी केवल 8-10 सेक्शन काम के हैं, बाकी केवल लिंक करने के लिए दिए, और उसमें एक सेक्शन दे दिया और उसमें बोल दिया क्या कि सारे प्रोविजन सीजीएसटी के एक्ट के जो है वो सारे यहां भी अप्लाई होंगे। तो एक, मतलब आपने सीजीएसटी पढ़ लिया मतलब आईजीएसटी भी आ जाएगा आपको सर, ये सेम लिखा है, इनफेक्ट लिखा है, सेक्शन है पूरा एक, क्लियर समझ मेरी बात। तो कुछ प्रोविजन जो इंटरस्टेट सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई को डिफाइन करते हैं वो वहां दिए आईजीएसटी एक्ट में, क्लियर। तो आपने अगर सीजीएसटी पढ़ लिया, आईजीएसटी पढ़ लिया, अच्छा यूटीजीएसटी नहीं पढ़ना आपको, पर यूटीजीएसटी में भी ये लिखा कि सारे प्रोविजन सीजीएसटी के यहां अप्लाई होने वाले हैं, प्लस एसजीएसटी में एक एक सेक्शन लिखा पर कॉपी पेस्ट बेटा सारी है, प्लस जीएसटी कॉम्पोजिशन सेस ये भी छोटा ही एक्ट है, बस इसमें मैंने बताया 14% वाला फैक्टर, केवल वो प्रोविजन दिए, बाकी लिख दिए सारे प्रोविजन सीजीएसटी के यहां भी अप्लाई होंगे, क्लियर। मतलब अगर आपने सीजीएसटी पढ़ लिया तो लगभग सब कुछ आ गया, और सीजीएसटी और आईजीएसटी पढ़ लिया मतलब सब कुछ आ गया आपको लगभग, समझे मेरी बात। इसलिए हमारे सिलेबस में सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट है, ओके बच्चों। तो सर हम जब पेनल्टीज की बात करेंगे, हम जब रेट ऑफ टैक्स की कभी कुछ बात कर लिया अगर मान लो, तो वो केवल सीजीएसटी की बात करेंगे, हम एसजीएसटी की बात नहीं करेंगे, एसजीएसटी एब्सोल्युटली सेम है जो सीजीएसटी में, ओके क्लियर पक्का। तो सर एक्ट कैसे बने समझ में आपको, आवाज नहीं आ रही हुई, एक्ट कितने बने समझ में आपको, क्लियर, और एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया समझ में आपको, और दिस इज हाउ स्टेट गवर्नमेंट ने सबने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जब तक ये सारी स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करी तब तक जीएसटी आ नहीं सकता था, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट में भी क्या चाहिए एसजीएसटी एक्ट, क्लियर समझे मेरी बात। तो सर हमने शुरू किया कहां से, 10 का क्रेडिट क्यों मिला, गवर्नमेंट कौन है, टैक्सेशन क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्लियर। हमने बात करी गवर्नमेंट कौन है, हम सब लोग ही है, गवर्नमेंट एक्ट कैसे बनते हैं, अमेंडमेंट कैसे होते हैं, कहां तक के अमेंडमेंट हमारे लिए रिलेवेंट है, क्लियर। फिर हमने पढ़ा एक्साइज वेट सर्विस टैक्स में क्या होता था, क्लियर, क्या क्रेडिट मिलता था कि नहीं मिलता था, किसका क्रेडिट मिल रहा था, किसका नहीं मिल रहा था, पुराने लोगों के अंदर क्या तकलीफ थी, और क्यों नया एक्ट आया, और नया एक्ट आया तो कैसे आया, प्लस सारे स्टेट गवर्नमेंट में और सारे और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्ट कॉमन अगर है तो उसके लिए कारण कौन है, जीएसटी काउंसिल, समझे मेरी बात बच्चों, क्लियर। ये सब हमने बात कर ली कि ये कैसे फ्रेम हुआ है एक्ट, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट, आवाज आ रही हुई पक्का, डन। तो सर अब हम शुरू करेंगे क्या, जीएसटी एक्ट, ब्रेक चाहिए क्या आपको, पक्का, चलो तो सर मिलते हैं ब्रेक के बाद, देन विल बिगिन विद द जीएसटी एक्ट, क्लियर, सीजीएसटी एक्ट हम शुरू करेंगे, क्लियर। ये इंट्रोडक्शन था जीएसटी का, ओके लगभग 15 से 20 मिनट का ब्रेक है, ओके तो 1-2 घंटे का ब्रेक देगा, ओके डन, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओके।